हेलो, इंस्पेक्टर फिलिप्स बोल रहा हूँ। अरे फिलिप्स ही बोल रहा हूँ, ज्यादा घुमाओ मत, बात बोलो। हॉस्पिटल ले जाने समय मनु बच गया। किस समय हुआ ये सब? कैसा पेशेंट? इसी कॉन्शियस? बिल्कुल नहीं सर, बहुत ब्लड जा चुका है, बॉडी में फुल बुलेट्स हैं। में क्या? हाँ सर। व्हाट ग्रुप? ओ पॉजिटिव। नाम क्या है? मानो वही रिकॉर्ड्स में है। आइए ये तो 5-6 घंटे लगने वाले हैं, तब तक मुझसे यहाँ रुकना नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, बहुत जरूरी होगा तो मुझे बुलाना सर। और हाँ, तुम यहीं पे रहोगे। अमनी है क्या? Hey, sir. डरो मत सर, उसमें आपका नंबर लिखा नहीं है। हाँ, नीचे आओ ना। जरूरी नंबर जो भी, ये अमनी को पता है। ये क्या ऐसे देख रहे जैसे पहले बार देख रहे? हजार बार देख लूँ तब फिर भी लगता है पहले बार देख रहा हूँ। सच बताओ, 20 साल की लड़की की माँ हो, वो देख के तो नहीं लगता। आज क्या यहाँ कोई भी नहीं है क्या? हाँ, दोपहर तक एर्नाकुलम जिले के आपके रैंक के कोई आदमी था, साथ में 2-3 फ्रेंड्स भी। ओह सोमन, वो तुम्हारा कब से कस्टमर बन गया? उतना पहचान नहीं है, सिर्फ जानती हूँ। ओ, 4-5 साल पहले यहाँ इतनी भगदड़ मची थी 2 पैक मारने के लिए। आजकल तुम्हारा ये सेटअप बहुत सही है। ना रहेगी पास,
ना बजेगी बांसुरी। कौन सा है वो 4-5 गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई है? खरीदा है या सीज किया है? हफ्ता नहीं मिला तो सीज किया। हाँ, कैसा है वो जेल भागा हुआ बंदा? हाँ, नहीं मरेगा लगता। एक मिनट। अरे सुन, एर्नाकुलम का कोई झूठा माल नहीं चाहिए, फ्रेश चाहिए मुझे। ये क्या, उसने कुछ लिया नहीं? नहीं। शंकर भाई, आपने जोर नहीं दिया होगा। जोर दिया, बहुत जोर दिया। तो उसके और बच्चे की देखभाल करता है और उसमें वो खुश है, आपको बोलने बोला। फिर गुरुवायूर का प्रसाद दिया तो वो सिर्फ ले लिया। ले लिया? और क्या बोला उसने? मनोव्यवहार खराब होने पर कोई भी मंदिर जाने का फायदा नहीं, माँ को बोलने बोला। अमन, इधर आना जरा। आई। सुबह फोन में मैं जो बोला वही कंडीशन है अभी भी, कम से कम 48 घंटे के बाद कुछ बोल सकता हूँ। कल था डेट, अब अगला डेट है, वो गवर्नमेंट को बताना होगा ना, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है। क्या फॉर्मेलिटीज, क्या डेट है? हाँ, उसको कोई फांसी पे लटकाना था और उसके बीच में ये सब हुआ, अब अगला डेट कब है ये गवर्नमेंट को बताना होगा। आप कब उसको डिस्चार्ज करेंगे अगर ये बोलते? फांसी पे लटकाने वाले बात आने तो तुम्हारे वो तो कीर खाए भी खुशी है, अगर ये सब मारने वाले तो क्यों यहाँ लेकर आया, वहाँ पे मार देते। बारबेरियन। हाँ, आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? एक्साइटेड हो जाएंगे, सीने में दिल वाले कोई भी एक्साइटेड हो जाएंगे। एक दो घंटा नहीं, 8 घंटा लगा पूरा बुलेट्स उस बदल से निकालने के लिए, और बहुत दिन लगेंगे उसके जबान से एक शब्द निकालने, उसके बदन के दर्द को थोड़ा ससल नहीं मिलने के लिए। इतने दिन से हम लोग कुछ लोगों के मेहनत, मेडिसिन, अटेंशन, सब कुछ उस फांसी के बनते पर चढ़ाने के लिए बात कर देंगे तो कोई भी एक्साइटेड हो जाएगा। मिस्टर, 3-4 साल पहले उसमें पुराने केस है, अपने भाई और भाभी को मार के थैले में डाल के पानी में फेंक दिया उसने, वो भी अपने माँ जैसी भाभी को अपने स्वार्थ के कारण किया। इस राज के चीफ जस्टिस तो क्या, अपने प्रेसिडेंट को भी ना लगने वाला दया आपको क्यों लगता है मिस्टर? द लॉ यू अपहोल्ड, आई अबॉर्ट इट। जिंदगी ना देने वाले को किसी का जिंदगी लेने का हक नहीं है। आपसे तो बोला है नहीं मिल सकते उन्हें। दिस इज टू मच, एक वकील अपने क्लाइंट से नहीं मिल सकते क्या? ये कहाँ का नेम है? हमें आपके पास बहस करने का समय नहीं है, और ज्यादा कुछ बोलना है तो डॉक्टर गिरीश से बोल। तो फिर ठीक है, कहाँ है आपका डॉक्टर गिरी? मैं यही पे हूँ। सो यू आर डॉक्टर गिरी? यस। सो यू सॉल्व माय प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? इस रूम में खड़े हुए पैर के दिन है पेशेंट। ओके पेशेंट, मनु मेरा क्लाइंट है, मुझे उसे मिलना है। दैट्स इम्पॉसिबल। डॉक्टर क्या बोलना चाहते हैं मैं जान गई, मनु अभी बात करने की हालत में नहीं है। ओके आई कीप मॉम। बात नहीं किया तो उसे मिल तो सकती हूँ। मनु आपका क्लाइंट है, ठीक है, आप कौन बताएं? बोला इनसे आप आने से पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बोलती हूँ, आई एम एडवोकेट सेठ लक्ष्मी। इस आदमी का केस सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में मैंने लड़ा है, सो दैट्स अबाउट। हाँ, तभी तो हार गई, ये मैंने बहुत सुना है। क्या मैं उसे मिल सकती हूँ या नहीं वो बोल दो। मुश्किल है, 2 दिन के बाद सोचेंगे। खुशी हुई, ये बात ये भाई लोग पहले बोल देते तो मुझे इतनी जबान चलाने नहीं पड़ती, अपने काम पे चली जाती थी। एनीवे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। श्रुति मैं हॉस्टल जा रही हूँ, तू आ रही है क्या? खड़े मिट्टी बन जाएंगे लेकिन उसे नहीं मिल सकती तू, ये लोग नहीं मानेंगे। सर, ये लड़की। समझ गया। क्या? मैं मन को देख सकती हूँ क्या? इजाजत नहीं है, फिर भी जस्ट अ ग्लैंस, ज्यादा टाइम मत लेना। सुनिए, ये मनु को अपना कोई नहीं है क्या? माँ बहन ऐसे सब है। फिर भी कोई पूछताछ नहीं करके आया? तुम चले जाओ, जाके देख लो। थैंक्स। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर, ऐसे क्या अकेले में बैठे हो? कैसा है अपना पेशेंट? बाद में सोचा तो लगा कि डॉक्टर के बात में दम है, इस काम के लिए उसने बहुत कष्ट कर रहा है। हम कोई कॉम्प्रोमाइज पे आते हैं। डॉक्टर तुम उसे फिनिश कर दो, एकदम सिंपल।
कोई दवाई बदल के उसे दे दो, भगवान को भी नहीं मालूम होगा। जरा जाओ यहाँ से। जाना तो है ही है, तुमसे कुछ बोलने के लिए आया हूँ। तुमने मुझे उस दिन क्या बोला था? बारबेरियन। फिलिप्स के मुंह पे ऐसे बोल के अगर किसी की जवान रह गई हो तो किसी से डर के नहीं, वो जगह वैसा था इसलिए तुम बच गए। देखना है तुम्हें, तुम्हारे खुले आँखों के सामने से उसे मैं उड़ाऊंगा। देखना चाहता है? वो भी उसे ऐसी हालत में, जरा टक्कर लगा के देख, गिनते रह जाओगे। अपनी बकवास बंद करके जो करना वो करो। उस दिन मैं अस्पताल में था इसलिए बच गया। यह हॉस्पिटल नहीं है, 100 बार बोलेगा बारबेरियन बारबेरियन। हटे यहाँ से, जाके तुम्हारा काम देख लो। हेलो। हाँ सीएम है ना? थोड़े बिजी हैं, डॉक्टर आया है, चेकअप में है। नहीं नहीं कुछ नहीं, सिर्फ रूटीन। हाय हाय, ऐसे आए दिन तुम्हें कपड़े उतार कर दिखाना पड़ रहा है। बकवास बंद कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ सुनो। जहाँ पहले लगाया तो दोबारा लगाया है। मेरे सवाल का जवाब आप जब तक दिया नहीं। बोला ना, पूरी तरह से तंदुरुस्त होके उसे छोड़ देना। वो आज नहीं तो कल होगा। मेरे सवाल का जवाब वो नहीं है, उसे फांसी की सजा नहीं मिलना चाहिए। वो तय करने के लिए तुम और मैं कौन है? इंडियन प्रेसिडेंट को भी उसकी तरफ कोई दया नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? शेखर नाम का व्यक्ति शायद कुछ नहीं कर सकता, पर एक मुख्यमंत्री जरूर कुछ कर सकता। ठीक है, ऐसे क्या हुआ तो तुम्हें इतना दिलचस्पी है इसमें? बोलता ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में, यानी कि मनुष्य के अंदर के प्रवृत्ति के बारे में बोलेगे तो इस राज्य के नियमों से समझ में नहीं आएगा। नियमों से ज्यादा शायद किसी एक डॉक्टर को समझ में आए बात। लैंगिक वासना में आपको बीवी को रेप करने के बीच उसके रोकने वाले उसके भाई को क्रूरता से मारा, विटनेस रहे उस औरत भी मार डाला। इतनी क्रूर वासना वाले आदमी, वो भी एक तंदुरुस्ती आदमी, अपनी प्रेमी के साथ आज तक मिसबिहेव नहीं किया। आई ट्रस्ट दिस नॉट इवन वंस। ये उसने नहीं बोला, उस लड़की ने बोला, उसकी प्रेमी, वो भी भीगी आंखों से। भाइयों और भाभी की, मनु की प्रेम और इज्जत बहुत ज्यादा देखा, अनुभव किया है। ऐसा एक नौजवान, ऐसा क्राइम, नेवर, नो, इट्स रिडिकुलस। सॉरी सर, मैं नहीं मानता। योर पुलिस पीपल विल डू द वर्स्ट। पुलिस की रची हुई ये कहानी कैसा विश्वास करना मुझे मालूम नहीं। तुम जो बोल रहे हो वो सही है, तो उसमें एक एलिमेंट है, दैट्स ट्रू। हाँ, आपका भी लगा ना, मुझे भी लगा। लाइफ में भी बहुत कुछ है, पर इंसानियत अब में थोड़ी सी बाकी है, इसलिए ऐसा लगता है। केस को रीओपन करना होगा, परस में प्रोविजन है, वेरीफाई करना होगा। रीओपन करना होगा तो रीओपन करना है, एक जिंदगी की बात है। हो गया तो एक सेकंड के लिए भी उसे वापस करना इस दुनिया में किसी से नहीं होगा। अगर जरा भी है कि न तो कोशिश करें, उसमें कोई कमी ना दिखाएं। जो दोबारा जांच के लिए आने वाले ऑफिसर को ये स्पिरिट एंड सिंसियरिटी होना चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है। वैसे एक आदमी को मैं भी बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ, मिलना भी तो चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, मैं किसी को नाम बोलूं? नरी। नरी, वो क्या नाम है? उसको मैं देखा नहीं, जानता भी नहीं। एक जर्नलिस्ट ने बोला था मे बी नरी दूसरा नेम होगा। हाँ, एक नाम वाले को ढूंढना मुश्किल है, फिर दूसरा नाम नरी। देशाभिमानी किधर है? क्या सब नीचे? नीचे नहीं, ऊपर। दूसरा आएगा तो मनोरमा मातृभूमि ऊपर आएगा, समझ में आई यूजलेस? पार्टी की यहाँ भी सीएडी है, ऊपर देशाभिमानी नहीं दिखाए तो मेरा सीट पाड़ेगा। काल काली काल है। तुम भी सीएडी है क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग, डीजीपी अवनीश शर्मा हियर। उई मां, दे दो दे दो। 100 साल जिएगा ये बुड्ढा, अभी बोला था आदमी रेडी। हेलो, कौन है डीजीपी तुम्हारे फोर्स में? नरी। कौन सा नारी सर? नारी नहीं है, नरी। नरी, तुम्हें क्या समझ में नहीं आई? कान बंद हो गई? समझ में आ गया सर, जल्दी ट्रेस करता हूँ। कौन है रे अपने डिपार्टमेंट में नारी? नहीं नरी, ऐसा कोई है क्या? नरी या नारी सर? लुक, मुझे सिखा मत, मुझे सिखा मत। सर सॉरी सर। फाइंड आउट दिस नारी। यस सर। शायद से नरी उसका निकनेम होगा। यस सर। सर ये नरी अपने डीवाईएफए नरीमन हो सकते हैं, कुछ लोगों उन्हें नरी बुलाते हैं। ओह,
अपना DYSP अशोक नरीमान, वो यूजलेस को नरी बुलाते है, मुझे नहीं मालूम वो नमूना आप कहाँ है। ट्रेस करेंगे सर, क्या प्रॉब्लम सर? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आम का वो पेड़ मत गिन। सर DGP लाइन पे। हेलो, आई एम DGP अखिलेश अवस्थी स्पीकिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर्स सर। तुमसे बहुत बार बोला है, घुमा फिराओ मत, सीधे मैटर पर आओ, बात बताओ। सॉरी सर, ट्रेस करने वाला ये नरी हमारे पहचान में आया, हमारे अशोक नरीमान उसका नाम है DYSP, नाम छोटा कर नरी बुलाते हैं सर। ओ नारी नहीं, नरी नारी। आ आ, तुमसे बताने वाली बातों में बात में बोलूंगा, तुम पहले उसे ट्रेस करो, बंद कर रहा हूं। उसके बारे में कोई कंप्लेंट आया है या क्या? ये DGP का शत, अगर कोई कंप्लेंट आया तो स्टर्न एक्शन मत लेना, वो अच्छा है, शरीफ है, हॉनेस्ट है, ये सब है DGP के, उसके बारे में राय है। तुम यहाँ खड़े क्या करते हैं? फोन नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं दूंगा, जाओ। ठीक है सर, तो मेरा सिलेक्शन गलत नहीं है, वेरी गुड। और एक बात है, उसमें खराबी है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत गर्म भी। अच्छा ये लो माँ। माँ ये किसके लिए? अब मेरे बेटे को गुस्सा, क्रोध और गर्वी पे नियंत्रण होगा, हाथ में मिलने किसी को भी, मारने पीटने में कुछ भी मेरे बेटे को लगेगा नहीं। माँ आपको किसने बोला कि जो भी मिल रहा है मैं मार रहा हूँ उनको? फिर थोड़ा तो है मेरे में, पर वो तो मेरे काम की वजह से। हाँ वैसे तो मैं भी सोचती थी, अब समझ में आई कि उसमें कोई बात नहीं है। क्यों? कल वो टीवी में जो सिनेमा आया था उसका नाम, हाँ वही वही, उसमें एक स्वामी है ना। हाँ। गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, मारपीट कुछ भी नहीं था, फिर भी कितनी अच्छी तरह से जुर्म उनको साबित किया। इन सब चीजों पे विश्वास करते हो? वो तो सिनेमा है। हाँ वो सब कुछ भी हो, वैसे भी तुम्हें थोड़ा ठंडा करा के निकलना है। सुना आपने स्वामी, इसके बारे में हमेशा कम्प्लेंट है, परसों एक आदमी घर रह के 100 रुपए लेके गया। किस लिए? क्यों, तुम्हे उसका मुंह तोड़ा है ना, 3 सिलाई थी उसके मुंह पे, 3 स्टिचेस। हाँ। अच्छा वो, हाँ वही आपको बताया वो जी। अब एक सेकंड, और मैं क्या करता, पूरी पब्लिक के सामने उसके पिछवाड़े में हाथ रखा। ओ हे भगवान, तुमने स्वामी को क्या बोला? वो मैंने बोला कि पब्लिक में उसने कानून अपने हाथ में लेने का कोशिश किया। अच्छा आदि आप आ जाओ, वो बात भी सही है। हाँ विजय, माँ को घर पे छोड़ के ऑफिस आ जा। ओके सर। अनवर गाड़ी ले। सर ऑफिस चलेंगे। ठीक है सर। कौन है वो? फाइनेंस के लोग है सर। 1 सेकंड सर। तो अभी गाड़ी का चाबी दे दे। एक ट्रिप जा रहे सर, वापस आके दूंगा। तो गाड़ी का चाबी दे रहे सर, ऐसा में मुझे तंग मत देना। अबे साले कुत्ते। वो चाबी दे दे। दे दूंगा, पंगा क्या है? बोल अनवर, क्या पंगा इनके साथ? फाइनेंस में थोड़े पैसे देने थे सर, जानबूझ के नहीं सर, आजकल ट्रिप थोड़े कम है, और फिर पिताजी के लिए ऑपरेशन था, सब कुछ मिलके बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए पैसे नहीं दी। चाबी दे। ये यहाँ से भागने नहीं वाला, और इस गाड़ी को बेच भी नहीं सकता, तो इसको और थोड़ा टाइम दे दे। बेकार में वक्त क्यों बर्बाद कर रहो, चाबी दो। नहीं तो आप इस गाड़ी को नियमानुसार सीज करो। सुनो तुम इज्जतदार हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतने देर बात कर रहा हूँ, चाबी दो। किससे बात कर रहे बताएं? चाबी दे भाई। भाई देता हूँ, अब भी देता हूँ, सुधर के जीने नहीं देगा ना मुझे। माँ मुझे माफ कर दे।
अगर तेरे से किसी ने पूछा कि इस हालत तेरा कैसा हुआ, नरीमान बोल, अशोक नरीमान। सीएम क्यों चुप है? हो गया क्या एमएलए का कंप्लेंट? एमएलए को भाषण के लिए माइक की जरूरत नहीं है, ये कितना सही है। बिना चिल्लाए ज्यादा पहला बिना सकते हो। हाँ हाँ, स्टेट नहीं, लोकल नहीं, चैनल नहीं, कोई पुण्य तिथि में भी जितना पूजा है उसका जुगना दिया है अमनी ने, ये कोई भूलना नहीं। वैसे लोगों को आपके आदमी ने मारा है। जो बताया उसमें न्याय है। ये अमनी वो है, वो पुरानी कवर अमनी है ना? हाँ, वो सब पहले, बहुत पहले, अभी उसका स्टेटस अलग है। ओहो, स्टेटस। वो छोट, अभी मेंबर ने किसी आदमी के बारे में बोला ना, कौन है वो, कुछ नाम पता है क्या? पुलिस वाला है, उस भिखारी को मैं मैंने काफी बार वार्न किया है, ऐसे शब्द बाहर नहीं निकालेंगे। अब बोलो क्या है उसका नाम? हाँ, कुछ नारीमान कारीमान बोल रहे थे, उधर का लॉ एंड ऑर्डर उसकी न्याय सीमा में नहीं आया था। फिर भी उस नारीमान को भी मैं भी ढूंढ रहा था। हाँ, देखो आपको उसके बारे में दूसरी कंप्लेंट और भी मिली है। हाँ, मिला है, मेंबर चले जाओ, मैं कंप्लेंट देखूंगा। अच्छा, तो फिर मैं चलो। सर, उसको ऐसे मत छोड़ देना, फिर पार्टी ने बोला तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, बीवी एमएलए बन गए ना। ऐसे खाली रहूंगा तो दिक्कत है ना, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, अंदर से आवाज आती है ना। कोई कॉर्पोरेशन चेयरमैन या पीएससी चेयरमैन का कुछ भी, किसको, तुम्हारे लिए? मद्रास में एक गवर्नर की वैकेंसी है। अच्छा, कोशिश करके देखो, हमेशा ऐसे करने के बदले में कभी कभी बैठ सकते हैं। जल्दी जाओ, बीवी डांटेगी। वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा एक आदमी। सर, थोड़ा ये रोकने को बोलो ना। नहीं बोलूंगा। तो फिर मैं बोलूं? तो मैं मार डालूंगा ना रे। कौन? बैठो, क्या चल रहा था? कुछ नहीं साहब। नहीं सर। यही है ना परेशानी सर? वो मुझे मालूम है, यही है परेशानी। घर जाओ तो बीवी, पार्टी आए तो पार्टी ऑफिस के लोग, सबकी परेशानी यही है। तो फिर आप बंद क्यों नहीं करते सर? नहीं होगा रे, इतनी उम्र हो गई ना, अब 2-3 साल ये स्टेशन के लिए बचपन से रहे ये दोस्त को छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ, एनीवे, हम अपनी बात पर आते हैं सर। लीगल डिपार्टमेंट से एडवाइस पूछा तो होपलेस बोला, वैसे ही पहचान की सीनियर पुलिस ऑफिसर से और एडवोकेट से पूछा तो वो भी कहते हैं मेहनत मत करो। अब आप लोग भी वही कर रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ सर। आई अंडरस्टैंड, पर मैं बोल रहा हूँ ये होपफुल केस है। मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। आजकल पता नहीं क्या हुआ, अब बढ़ती उम्र का है या उनके प्रलोक का हो, असामान्यता विश्वास होना लगा है। ये किस्मत नाम का कुछ है ना, नहीं तो 4-5 बुलेट बस एक काफी है किसी की जिंदगी लेने के लिए। काल को इतना मौका मिला उसे ले जाने पर, हुआ क्या, नहीं, एक हिस्सा रह गया, एक छोटा सा हिस्सा, कभी तो एक दिन के हिसाब को बच गया। ये मैं भी ऐसे बच गया था। ऐसे कन्नूर केस में 4 लोगों के साथ मुझे फांसी सुनाया, सारे निवेदन नजरअंदाज किया, साथ में थे 4 लोगों का फांसी चढ़ाया, तभी मुझे बुखार आया, सजा को 2 दिन के लिए हटाया। पूरी तंदुरुस्ती के साथ तंगाने का है ना, नहीं हुआ। जिंदगी कम नहीं था इसलिए नहीं हुआ, वही सच है ना। वहां एक पुलिस ऑफिसर था, नीलकंठन मारा, स्मार्ट, चालाक, बुखार आए 2 दिन में, पता नहीं उसने ऐसे जादू क्या किया, मैं फांसी से बच गया। ले, आज इस कुर्सी पर बैठा हूँ, इसी किस्मत नहीं तो क्या बोले। सर, ये जो नीलकंठन मारा जो आपने बोला, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे माँ के पिताजी। अरे क्या बोल रहे हो, मारा के पोते हो तुम? वो लड़का बच गया रे, क्या है उसका नाम? मनु। हाँ, मनु बच गया रे, ये है रेयर कोइंसिडेंस, उस दिन नाना आज पोता। थैंक यू सर, पर वो जमाना और अब कोई फर्क नहीं है, तभी तो मैंने ही पहले बोला, बोलने का हक है मुझे। पर मुझे मालूम है जो मैं बोल रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी कोशिश करो सर। एक जिंदगी का सवाल है बेटा। श्योर सर। उस दिन जो नाना से हुआ
वो आज पोते से होगा। गुड लक। थैंक यू सर। डीजीपी एक मिनट, जाते से पहले फोन किसको? कोच्चि कोड़िकोट कोटेम पे नहीं, आपके लोग बैठे हैं ना वहाँ पे। सामान्य रूप से यहाँ मन में सोच ले तो आपके लोग वहाँ पे मुख्य बात तैयार रखते हैं, वैसे ही देखा है। नवर नवर सर, मैंने आज तक हाँ मुझे भी मालूम है तुम्हारे बातें। हाँ जाओ जाओ सर। ऐसे घटिया पुराने केस ही हमको मिलते हैं बेवजह मन की शांति खोलने के लिए। सबको साबित करने के लिए एक यूनिट है ना सीबीआई, उनको ये भी दे दो ना सर, वो कुछ भी कर ले, वो जनता पत्रधर और पॉलिटिशियंस को खीर खाए जैसा खुशी है। हम कुछ करें तो सबको परेशान है, अपने ही लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। जो भी हो, मैंने कोई गारंटी नहीं दी किसी को भी। जब उनके जैसे कोई बड़ा आदमी इतने कॉन्फिडेंस में बोल सकते हैं तो फिर मैं क्या करूं? गोपी बल्ला बताओ, हट जाऊं या सीरियसली लूं? हट जाऊं, ऐसे तो हमें आदत भी नहीं है। तो फिर सीरियस होंगे है ना सर, आज से इस वक्त से। चाहिए कुछ नहीं तो जिंदगी बचाने के लिए। वो सही है, वेरी गुड। तो हम आज ही मनु से मिलते हैं आज शाम को। ऐसा करना क्या सर, आप अकेले? अरे तेरे बिना मैं कैसे पिल्ले? मुझे पता है सर, मैंने सोचा आज चले जाएंगे। हाँ चलते हैं। वो क्या आदमी है सर, साला पागल है। ऐसा सैतान को मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। डिस्चार्ज करने के बाद भी नहीं पूछा, जस्ट पेशेंट कैसा है वही पूछा। काट खाने के दौड़ा हरामी। आज नहीं तो कल हमारा हाथ में आएगा ना, वो मार मार कर हड्डी पसली करूंगा। तो वो डॉक्टर परेशान करेगा ऐसा रसीद को लग रहा? पूरी तरह से रसीद, जल्दी उसे वहां से हटाना होगा। किसको? कुछ बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता, अभी जो गोली खा के पड़ा है उसे। कैसे सर, वो चोर ने रहे? रास्ता ढूंढो, 10-20 साल हो गए यूनिफॉर्म पहन के। हम सोचे तो कौन सा रास्ता नहीं दिखेगा, जल्दी कुच्चू से मिलना होगा। कौन सा कुचिन? अबे महीने महीने में जो हफ्ता देता है उसे, कुच्चू नारायण। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोः शान्तये। ബുദ്ധിർബലമശോധൈര്യം നിർഭയത്വ മനോഗതാ മജാഖ്യം വാക്പെടുത്തും ജനമ സ്മരാട് ഭവേദ അജനയോ നമ വെങ്കടാജലപതേ നമ നമോ മഹാദേവ മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്തേ സകല ദൈവങ്ങളേ നമ. बाकी आ गया था। तुम्हें बिना रुकावट के पैसा देता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम बुआ के भाई हो, रिश्तेदार हो इसलिए भी नहीं। मुझे स्पिरिट चाहिए, वो भी बिना रुकावट के मिलनी चाहिए। I am not trying to cheat you. If you send me the cash, I will send you the product. तो फिर इसमें जो है वो ले ले, बाकी मैं लाता हूँ। ये किसने फेंका? अरे सर मैंने फेंका। इसकी कीमत तुम जानते हो क्या? सर 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए? चल हट यहां से। इन हाथों को पता है इसकी कीमत, इन घिसे पैरों को पता है इसकी कीमत। एक जमाने में इसे भी फटी थी मेरी हाल, रास्ते में चने बेचकर यहां तक पहुंचा हूं मैं। स्पिरिट और नकली शराब से नहीं, इस लक्ष्मी को अपने जान से ज्यादा प्यार किया, इज्जत दिया, इसलिए
मेरे मुंह पर थूको तो मैं चुप रहूंगा, पर इसे अपमानित किया तो मैं, हाँ छोड़ दो, हंजाने में किया होगा। चलो गिन के खत्म करो जल्दी। बोलो मैनेजर साहब, सारे कलेक्शन आ गए क्या? अडूर पद्मनाभपुरम आर्टिकल छोड़ के बाकी सब आ गया सर। उधर से आने में इतनी देरी क्यों है? कलेक्शन उधर से निकल चुका है सर। हाँ आ गया तो ठीक है। अच्छा कल कितने लीटर बिका था? 20 लीटर का 600 कैन मालिक। 20 का 600 मतलब 12,000, ये थोड़ा कम तो नहीं? वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अब सारे नकली शराब बनाना शुरू किया क्या? वैसे तो अच्छा माल पीने को मिलेगा ना। गलती से वो गोल दिया मालिक। सब सच्चाई को समझो मत, जो सच्चाई समझ में आया वो बोलो मत। कुछ तो तुम्हें परेशान कर रहा है भाई। वो डॉक्टर कमीना साला डेमोक्रेसी की तलवार की तरह लटका पड़ा है तो मन कैसे शांति होगा? अरे तुम क्यों परेशान होते हो, उसको कुछ देकर बाजू में बिठा देना। नहीं, एक मुख्य काम हमसे छूट गया है, वो सीएम का पर्सनल डॉक्टर भी है। हाँ? सारे रास्ते हमें बंद करना होगा और वो हमें डॉक्टर के कस्टडी में नहीं चाहिए। उसके लिए रास्ता क्या है? और वो वहाँ सुरक्षित नहीं है लगा। जो पुलिस बोलेगा वही तो सुनेगा। वो वहाँ सुरक्षित नहीं है वो हम कैसे तय करें? आज रात को मेडिकल कॉलेज में रहने वाले पुलिस वाले और कुछ गुंडों के बीच मुठभेड़ होगा। झगड़ा सीरियस होने से पहले गुंडे भाग जाएंगे। ये हमारा रचाया हुआ नाटक है, पर वो गवर्नमेंट को लगे सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे जो रह रहे उनमें से किसी को शत्रु को ने पता चला तो? नोटिस दे के दुश्मन आक्रमण नहीं करता, पकड़ में आ गया तभी तो पता चलेगा। तब तक कोई भी कहीं रहे। अजय 2-3 लोगों को तैयार रख, आज रात को भेजना है। सर। मनु, मनु छोड़ दीजिए, उनको सोने दीजिए, मैं कल मिल लेता हूँ। इतना रिस्क लेके जेल से भागने की कोशिश क्यों किया, उसके बारे में कुछ मनु ने बोला? बोला, मौत से बच के या किसी से बदला लेने के लिए नहीं किया। इस दुनिया में किसी को भी उसका विश्वास नहीं करेंगे तो भी उसका माँ विश्वास करेंगे, उनके पैर पकड़ने भी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए। और फिर पहले से ही उनका घर के किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा। कोर्ट का वकील बंदोबस्त किया। स्टेट ब्रीड एडवोकेट सहित लक्ष्मी? यस। उनका कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर आपके पास? नो, हम दोनों अच्छे टर्म्स में बिछड़े हैं। गोपी पिल्लई। डन सर। मुझे थोड़ा अंदर अंदर जाना मना है। मतलब अरे जाना है मुझे, छोड़ो मुझे। पिल्लई सर, वहाँ पे क्या हो रहा है? देखता हूँ सर। अरे छोड़ो मुझे अंदर जाना है। अरे मुझे अंदर पकड़ो से। फिलिपोस ऐसा कुछ है उसका नाम। बहुत जिद था मनु को यहाँ से कैसे भी निकालने का। आखिर में इस चैलेंज तक पहुँचा। सर कौन थे वो? हमने ट्रेस नहीं कर पाए, उससे पहले बच के निकल गए। अच्छा, नहीं जरूरी सुरक्षा नहीं है बताकर मनु को यहाँ से हटाए क्या? नहीं नहीं, इसके वजह से वो नहीं होगा पक्का। वो कैसे? गोपी पिल्लई सर। अरे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो, ये कुशन कुर्सी पर बैठ के पियो। मालिक ने बोला ना बैठ के पियो। अरे कोई तो उठाओ। हेलो, है ना, देती हूँ आपके लिए। हेलो। हाँ बोलिए, अब तक नहीं मिला, कोई पकड़ा गया? कुछ पता चलेगा तो बुलाओ। मेडिकल कॉलेज का पुलिस स्टेशन था, अब तक कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसे कैसे होगा? अरे मेडिकल कॉलेज में कुछ हुआ नहीं था क्या? मैंने तेरे से क्या बोला था? भैया हमने जो बोला वो वही किया। आखिर में लोगों को आते देख वो वहाँ से चला गया। जैसे बोला वैसे हुआ तो पुलिस वाला कंप्लेंट करेंगे। नहीं सर, वो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। तुम जरा वहाँ तक जाओ, किसी को शक हुए बगैर जाँच करो। नहीं जाऊँ क्या, मेरे समय उतना ठीक नहीं है। समय मुझे छोड़, जाओ यहाँ से। अरे यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी। अस्पताल में कुछ बुरा हुआ है मुझे पता है। फिलिपोस जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी वकील से मिलना है। मिलोगे तब पता चलेगा वकील की हड़पने की लालच, समझ आया? नहीं देखना सर, बार बार वही बात पूछे जा रहे। कंप्लेंट करने के लिए यहाँ तो कुछ हुआ भी आप नहीं। जैसा कह रहे हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, वार्ड बॉय कोई बोल रहा था तो वार्ड में भी जग गया। वो फिर मेरी वाइफ का माँ भी यहाँ था।
रशीद साहब की सासू माँ कैसी है? तुम इस समय यहाँ पे? मेरी सासू माँ भी यहीं पर है, तुम्हारी सासू माँ के वार्ड में। सुनो, 3 महीने पहले तुम्हारी सासू माँ मर गई है। मेरे वायरलेस पे मैसेज आया तो मैंने तुमको बताया था, तब मरी हुई तुम्हारी सासू माँ दोबारा जिंदा हो गई। या तुम्हारे और बीबियां? लुक, वॉइस चैनल्स को ट्यूशन लेने वाली इंक्वायरी मत आओ। कोई तरह की इंटरफेरेंस एंटरटेन मत करो। मैं वहां हॉस्पिटल में आऊंगा, ऐसा उसे लगा नहीं था। सर, ये सर्कल इंस्पेक्टर रशीद फिलिप उसका अपना आदमी, ये आपको पता है ना? पता है, अच्छी तरह पता है। और कोऑपरेट करने के लिए वो मेडिकल कॉलेज वाले पुलिस वालों से एक थैंक यू बोल देना। डन ऑलरेडी, आपकी तरफ से पहले से बोल दिया तो डॉक्टर शनी का, डॉक्टर गिरी, डॉक्टर गिरी का शक सही था। अजीब जिद है इस फिलिप उसको। सिर्फ जिद है या? जिद के अलावा आपने क्या सोचा? गोभी पिल्लई सर, आज तक किसी को फांसी पे लटकते हुए देखा है? नहीं सर, आत्महत्या ये लोगों को लटक के देखा है। मैंने देखा है सर। एक बार 12 लोगों के मर्डर को, इतनी निर्दयी जुर्मी पुलिस हिस्ट्री में कभी नहीं था। फांसी की डेट भी डिसाइड होने के बाद ही मैं उससे मिला था। माँ, लेके खा लो बच्चों। उस दिन मैं उसको फेस नहीं कर पाया, उतना दयनीय था। कोई अफसर नहीं कर पाएगा, कितना भी पत्थर दिल वाला हो वो पिघल जाएगा। कोई आस्तिक हो तो भी वो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान उसको कैसे भी बचा लो। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है, वो मैं समझा नहीं सकता। इस अनाथ मनु को फांसी पे चढ़ाने की जल्दी एक ही बंदे को था, इस फिलिपोस को, और थोड़े लोग जो हम नहीं जानते। खा लो। शुरुआत में ही हमारा रूट नहीं बदल रहा ना सर? नहीं नहीं, रूट तो सही है। लेके कहा ना, एकदम हड्डी का ढांचा हो गया है। तेरी बीवी कुछ खिलाती नहीं है क्या? चीनी है क्या गोभी? क्यों, यहाँ पे चीनी नहीं क्या? इधर की बात नहीं, तुम्हें चीनी की बीमारी है? ओ, डायबिटीज वो तो नहीं है। हाथ में धागा बागा तक है? वो धागा तो हाथ में ही था ना। कहाँ तरे? वो घर में आने तक भागा कमरा पे नहीं, मैं दोबारा हाथ धो के आता हूँ। जिंदगी में आज तक सच नहीं बोला उसने। तेरा खेल मेरे पास नहीं चलेगा। तू इधर बैठ, तू कहाँ चल रहे हैं? धागा कहाँ, धागा कहाँ है? माँ, वो धागा मैंने नहीं निकाला। फिर? आपने ही बोला कि एक सिचुएशन में ये अच्छा नहीं है करके निकाल दिया। हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त पर ही तुम्हें ऐसे बोलने का मन कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया। यस, मैं अभी आता हूँ। ओके, डॉक्टर गिरी का कॉल था। मनु इज रेडी फॉर अ टॉक। मनु, मनु, मैंने तुम्हें बताया था ना अशोक नरी, फिलिपोस का तरह नहीं है। इस आप को मनु विश्वास कर सकता है। मनु, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं? माँ, माँ से मिलना है ना? हेलो दादी माँ। कौन है बेटा जो बाहर आया? दादी माँ से मिलने आए हैं वो लोग। क्यों? मनु मामा को आपसे मिलना है, आपको लेने आए हैं। नहीं दादी, आप मत जाओ, पिताजी बहुत गुस्से में। मैंने कह दिया ना, ये नहीं होगा। उस माँ को ऐसा एक बेटा नहीं है। ऐसे मत बोलिए, मनु की हालत आपको पता है ना, उसको अपनी माँ से मिलने की इच्छा है। हो सकता है कि फिर कभी मुलाकात ना हो। मनु की आकर क्वाइट समझा कर कम से कम प्लीज। इन सब के लिए एक ही जवाब है, नहीं हो सकता। ये और एक बार सुनने के लिए यहाँ खड़ा होने की जरूरत नहीं। फिर सर, ऐसे खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हम। जन्म दिए हुए बेटे से मिलना है कि नहीं वो माँ तय करेगी, उसके बीच में आपकी जरूरत नहीं है। ये पहले ही करना था।
अरे भाई, अपना टायर ट्यूब पंचर होने के बाद ही शराब छोड़ोगे क्या? अरे ये कौन उपदेश दे रहा है? शैतान भलाई की बात करता है, काम ही तो है आपका। अरे मालिक सिर्फ बेचते हैं, पीते नहीं, फिर आके करा बांधते हैं। चल चुप कर, छोड़, पेट में आग लगी है और तुम्हें बीन बजाना है। बीन? कहावत के मालिक। उस दिन जो रशीद ने शक किया वही हुआ। सीएम उस कुत्ते नरीमान को नया काम दिया। मैं जानती हूँ उसे, हराम खोर। गाड़ी सीज करने गया तो अजय को उसने रोका। नरीमान वो कौन है? अशोक नरीमान, DOSP क्राइम ब्रांच। उसको सीएम ने नया काम दिया। उतना ही है क्या? वो नमूना कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे ऊपर ना चढ़े, है ना अमिनी? बेवकूफ, मेरे और तुम्हारे ऊपर चढ़ने आ रहा है पुराना केस खोलने के लिए। उसके कहने पे पुलिस ने कंप्लेन नहीं किया। तुम क्या पागल हो गया? जब केस खत्म हुआ तो वकील ने बोला था अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो ऐसे कुछ भी बोलेगा? तुम नहीं जानते उस नरीमन को, गरूर की आंखें है उसको। जो नहीं देखता वो देखता है, जो कोई नहीं सोचता वो सोचता है। अगर वो कान बंद कर ले तो वो सोचता है वो कोई दूसरा नहीं सोच सकता। दुकान बंद होगा क्या? थॉमस फिलिप्स नहीं है वो, अशोक नरीमन है। हे भगवान, अब क्या मन की शांति भी नहीं मिलेगी? अच्छे दिल वालों को शांति। तो पुराने जमाने में देखो भाई, अब निचोड़ा तो भी चलेगा लेकिन वकील से मिलना। मालिक बहुत कार बढ़े गए, वकील का हवा गया क्या? अरे मुंह खोलते ही ऐसी बातें बोलता है क्या नमूना? तो हवा नहीं गया क्या? भगवान की कृपा से सब अच्छा गया, थैंक यू। हाँ, ये मैं किसको देख रहा हूँ? आइए आइए। सच में मेरी जी में आग लगी है। क्यों? काफी भीड़ है, ये कार। मेरी बहन श्रीदेवी की बच्चे का पहला जन्मदिन, बारगांव से बहुत सारे लोग आए, इसलिए सोचा कि मना ही लूं। चलिए कनक, सिर्फ सब्जी नहीं है, बाकी सब कुछ है, फर्स्ट क्लास स्कॉच के साथ। चक्के देखो। कुछ नहीं पी सकते सर, बहुत टेंशन है। क्या हुआ कुछ है? वो पुराना केस खोलने के लिए सीएम ने DOSP। हाँ मैंने भी सुना था, सीएम से बात करने का भी सोच रहा था। सीएम को किस लिए? मुबारकबाद देने। क्या जरूरत? एकदम स्मार्ट ऑफिसर्स को उतारने के लिए। हिसाब किताब जो बह गया है उसको साबित करने दो। दैट्स एडवेंचर। ये सागस मुझे बहुत अच्छा लगा, आई अप्रिशिएट। आप इंग्लिश बोलते रहो, मेरी दुकान बंद होगी ऐसे ये बोल रहा। ये तो बोलेगा ही, अनपढ़ गवार। ये सुनकर तो डर गया। ये केस फ्रेम करके लड़ा किसने? मैंने ही तुम्हें भी जबान दिया है। इस कोपड़े के अंदर भी कुछ है भाई, ये सड़क के गुंडों को उतार के खेलने वाला खेल नहीं है। इट्स अ गेम ऑफ लीगल ब्रिलियंस। खेलने दो नरीमन को, इस गेम के क्लाइमैक्स में हम दोनों को फूट फूट के हंसने का मौका मिलेगा। इस केस में मैंने एक ही गलती किया है। मेरे कारण क्या? नहीं, इस नालायक के कारण। हॉस्पिटल में अटेम्प्ट किया उसको बाहर निकालने के लिए, सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। यू फूल, कितना देर लगेगा उसकी इधर को ये पता चलने के लिए कि इसके पीछे तुम हो। अपने पुलिस दिमाग को कहां गिरवे रखा है? खत्म करना था तो मड़ू को बाहर खत्म करता। वो अवसर मिलने के बाद भी तुमने वो नहीं किया। डेट फूट पर मिलने के बावजूद भी उसके दिल पर गोली नहीं उतर पाया, ऐसे आदमी को किसने पुलिस में लिया है? नालायक। भैया जरा आओ ना। हाँ एक मिनट कुछ, अभी आया। हाँ हाँ लो, बस इतनी सी बात है, तुम बेवजह इंसान को ऐसा डरा दिया। क्या क्या बकवास किया था तुमने? गरुड़ की आंखें, जो कोई नहीं देखता है वो देखता है, उसका दिमाग वो सोचता है जो कोई नहीं सोचता, वो कान घुमाए तो वो सुनता है जो कोई नहीं सुनता। मैं एक और सच जोर से बोल दूं क्या? आपको पुलिस की वर्दी बिल्कुल नहीं जचता। आपने एक बात गौर से देखा? आजकल भूख नहीं उन्हें, वरना पहले तो सीधा। तुमसे जरा बात करना है, आजकल तो मुझे कुछ खबर नहीं देते। क्या सर? सुना है कि वो बाईपास वाले जगह को एडवांस दिया है। नाम के लिए एडवांस दिया है लेकिन कुछ तय नहीं हुआ है। क्या हुआ सर, जगह में कोई गड़बड़? गड़बड़ नहीं है, चिंता किए बगैर करीब। लेकिन तुम्हें अभी उस जगह का जरूरत है क्या? क्योंकि मुझे पहले वो जगह लेने की बहुत चाहत थी। फिलहाल वो जगह मेरे नाम पे हो या तुम्हारे नाम पे क्या फर्क पड़ता? वो तो सही है, अगर तुम हो तो आराम से पैसा दे के खरीद सकता हूँ। बस बस, फिर भी दिक्कत है तो नहीं मांगूंगा। कोई दिक्कत नहीं, वो जगह सर के नाम पे लिख दूंगा। क्या जगह का बात बोलने के लिए मुझसे ऐसे चिपके? नहीं, मेरी बहन और उसकी फैमिली अमेरिका से आई है ना, उनका फ्लाइट टिकट है, मतलब चार लोगों का अमेरिका तक जाने का टिकट लेना तुम्हारे लिए मुश्किल थोड़ी ना है। क्यों? तुरंत अरेंज कर दूंगा। और फिर मेरे बीबी ने तुम्हें एक बात याद दिलाने को कहा है। समझ गया, आपकी वाइफ LIC एजेंट है ना, करोड़पति हूँ इसीलिए बड़ा सा पॉलिसी लेना पड़ेगा। क्या नहीं होगा? कितनी लोग बिना कारण के गाड़ी से लगकर मरते हैं, इनको भी थोड़ा। मैं भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ मालिक।
कि मैं मर जाऊं। इधर भी आज के लिए इतना बस। पीएससी नहीं है तो छोड़ो, देवस्व में एक मेंबर की जगह थी वो भी चल जाता। जैसा भी हो, सबरीमलय पूजा के बाद बड़े पुजारी से लेकर डोली रखने वालों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद भी है पूजा प्रसाद ये सब की भी भर्ती होती है और बाकी सारी चीजें। मैं सीएम से दोबारा मिलके आता हूँ। वो है नरीमान। पूछ पूछ। हे सर। तुम हो ना नरीमान? हाँ जी। एमएलए को पहचाना? हो क्यों नहीं। तुमसे दो बात बोलना है मुझे। बोलिए। यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे तुम्हारे मुंह पर देकर बात न करे तो तुम जबान उकाड लोगे, रोक लोगे। तुम कौन हो? चुने गए प्रतिनिधि या यूनिफॉर्म की ज्यादा कीमत है? मुझे आज जाना है। मुझे आज जाना है, जो पूछा वो सच है। अब मुँह नहीं खुला तुम्हारा। इज्जत है तो इज्जत के साथ। अब सीएम तो क्या, कोई भी तुम्हें थाम ले तुम्हारी खाकी टोपी और विसिल बुकार फेंकूंगी। बहुत मुश्किल होगा बहन जी। जवान संभाल के बात करो। उद्योग विभाग के हर काम को नस नस में रखता हूँ, याद रखना। हाँ जी। समझ में नहीं आया जन प्रतिनिधि? अच्छा वो मैं भूल गया, जन प्रतिनिधि। जन्म दिए हुए माँ शर्म करेगी उस बेटे को वोट देने की। वैसे एक तोप आया था, विपक्षी उम्मीदवार ऐसे ही बच गए। वो इस प्रजा की बदकिस्मत। दम है आप में, आपकी नियोजन मंडल में पैर रखने की? इस मुंह का स्वागत करने के लिए वहाँ पे लोग खड़े झाड़ू और गोबर के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी मर्जी। तुझे मैं कुछ नहीं उखाड़ोगे। कोई अबकारी या कुचमनी का दान लेके भर लो, पर वही रुक जाओ। वो चंचलता लेके यहाँ मत आओ। एक भरपूर चीज को अपने साथ ही लेके घूम रहे हो ना, ये हिसाब किताब उसके पास रखो। भैया कॉर्पोरेशन चेयरमैन देवस्वम बोर्ड मेंबर बनने के लिए हमेशा अपने बीवी के पीछे दुम मिला के मत घूमो, कभी कभी छोड़ दो उन्हें। सही है। हाँ बोल, मिली क्या माताश्री? अरे सेतुलक्ष्मी माताश्री नहीं है सर, जवान है और फिर थोड़ी तीखी से लग रही है वो। तीखापन ज्यादा है तो अच्छा है, तो मिठास थोड़ा कम कर सकते ना। कब मिल सकते उनसे? जल्द से जल्द। जल्दी मत करो, अच्छी तरह तोलो। तुम्ही से बोला ना अच्छी तरह तोलने, जितना बोला उतना पैसे दे रही हूँ ना, ऊपर से महंगाई। तुम तोलो ना। तोली तो रहा हूँ, उससे पहले तड़पेगी तो ले ये भी रख ले। नहीं नहीं मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड। अच्छा लगा। व्हाट? आपका ये कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, देने वाला भाव और मिलने वाली तोल, वो ठीक होनी चाहिए। दैट्स गुड। एडवोकेट सेतुलक्ष्मी करेक्ट है तो? वी आर फ्रॉम क्राइम ब्रांच। तो क्या पिल्लाए? सर मैडम एक केस के बारे में आपसे जरा बात करना था। केस? कौन सा केस? रोड में बात करने हैं क्या? इसके बारे में ऑफिस में आ जाओ, जब मैं वहाँ हूँ। कब होंगे? वो ऑफिस में पूछ लेना। वो कब पूछूं? नहीं मैडम का ऑफिस कहाँ है? वो किसी से पूछ लेना। वो अंगूर देना यार, ये हाथ में नहीं आएगी लगता। देख ही लेते हैं। चल श्रुति। अरे 100-300 वकीलों से पूछा था, कोई नहीं पहचानता इस सेतुलक्ष्मी को। उन सबको मजिस्ट्रेट कोर्ट की सफाई वाली सेतुलक्ष्मी जानते हैं। बड़ी वकील होना तो दिमाग होना चाहिए, ये दिमाग यानी। मुझे जिद नहीं कि मैं आपसे बात करके रहूंगा। डॉक्टर गिरी ने बताया था आपका नाम, उनके बातों से लगा कि आप मनु के बारे में कंसर्न्ड हो। मनु? कौन मनु? शो ऑफ मत कीजिए, वो भी मेरे से। जिस मनु को आप अच्छे से पहचानते हो वही। उस केस को मैं रिओपन करने की कोशिश में हूँ, उसके बारे में बात करना है, अगर आप सहमत हो तभी। वो फाइल लेकर कहाँ आना है? कोई नहीं, वी विल गेट बैक टू यू। इस केस के संबंध में सिर्फ ये फाइल बाकी है अभी। जो भी केस अदालत तक पहुंचता है पुलिस का एक सेपरेट ही स्टोरी होता है। इस केस की वो स्टोरी क्या है जरा बता दीजिए। भैया और बाबी के साथ रहता था मनु। हादसे के दिन द डे दे वर किल्ड, भैया की शादी की सालगिरह थी। उस दिन शहर के दूर सिल्वर स्टार होटल में मनु ने उनके लिए डिनर बुक किया। उसके अलावा शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक सूट भी बुक किया। डिनर के बाद अगले दिन आएंगे बताकर मनु वहां से घर के लिए निकला। ये सब सच है, वो मनु ने भी माना। पर पुलिस की कहानी वहां नहीं रुकी, मनु घर नहीं आया। तो शराब की आदत नहीं रहने वाले भैया को डिनर के बीच में वो जबरदस्ती पिलाया। नशे में दूध भैया को रूम में लिटाकर दोबारा आकर दरवाजे में कटकटाए तो दरवाजा खोला बाद में।
उनसे मनु ने बात किया, उन्हें उकसाया, ना मानने पर उन पर जबरदस्ती पेश आया। इसके बीच नशे में उठाकर बैया ने जो देखा, अपनी बीवी को बचाने के बीच बैया ने मारा गया। आगे हुए बलात्कार में भाभी मी मर गई। उसके बाद डेड बॉडी को गोरिया में बांध कर ऊंची पहाड़ी के ऊपर से नीचे डाला। पुलिस की कहानी वहाँ खत्म होती। इस स्टोरी के बारे में, इस केस के बारे में सेतुलक्ष्मी आपका क्या राय है? हर हाल में जीतना है, पुलिस ने टाना। बहुत पहले मल्लूर गोविंद पिल्ले के नाम का एक वकील था, सुना होगा। मल्लूर और 1000 रुपए है तो कोई किसी को मार सकते है। सुना है मैंने। आज मल्लूर के जगह पे सुप्रसिद्ध लॉयर पद्मनाभ नंबी, 1000 के जगह पर लाखों। बस वही नहीं, साक्षी को जिम्मेदार और जिम्मेदार को साक्षी बनाना उनका काम। वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरह उस तरह क्रिमिनल केस में एक्सपीरियंस ना रहे सेतुलक्ष्मी, इस तरह वो भी सरकार के लिए। उस लड़की की किस्मत, केस पढ़ते ही मैंने मनु की शिक्षा मन में देखी। उतना स्ट्रांग था सबूत और बयान, ऊपर से तलवार से भी तेज तंबी की जबान है, तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। बस इतना ही है या और भी? एक दो और भी है हॉस्टल में, वो भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मैं वो कल कर दूंगा सर। कल के लिए कोई काम बाकी मत रखना, आज जो खत्म करना है आज ही कर देना, वही उसका नियम है। राइट सर। सो व्हेन? एक्सिबिट B5, खूनी को बाबी की ओर ऑब्सेशन। वो पल नहीं लेकिन पहले से ही था, प्रोसिक्यूशन ने हाजिर किया प्रूफ। बलात्कार के कोशिश के बीच में मारी गई, यही बोल रही ना प्रोसिक्यूशन? हाँ, क्यों पूछा? इस तरीके की पकड़ या स्पर्श का क्या अर्थ है? बोला ना सर, उनका ऑब्सेशन। आर यू श्योर? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस। शैल आई लॉक? क्या है बोलो ना सर प्लीज। इस औरत के चेहरे पे गौर से देखो, उस पकड़ में कोई असुविधा या हिचकिचाहट उसके चेहरे पे दिख रहा? नहीं सर। तो उसका मतलब उनको उससे विरोध नहीं था? देवर की इस अप्रोच को वो पसंद करती है तो एक बलात्कार की क्या जरूरत है? रूम में पी के टल्ली हुआ अपना पति, सामने अपने पसंद का देवर, बलात्कार का संभावना नहीं है? पर सर पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट में बलात्कार का सबूत है। मैं मानता हूँ, और था भी, और उसके साथ ये फोटोग्राफ्स, एंड बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी। अगर ये एक पॉइंट आपको अदालत में महसूस हुआ हो तो? मुझे क्रिमिनल केस लड़ाकर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर। डोंट वरी, यू विल गेट योर चांस अगेन। ये फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ थोड़ा डिटेल स्टडी के लिए। इस केस का कुछ निर्माण होने तक बीच बीच में मैं सेतु को तंग करूंगा। आई एम सॉरी, सेतु लक्ष्मी को कोई तकलीफ होगी? नेवर। पिल्ले ले लो। हाँ, ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम सब है ना, कोशिश करेंगे। सर 100-300 एडवोकेट से पूछकर भी सेतु लक्ष्मी को कोई नहीं जानता, सच है क्या? अरे वो विश्वास कर लिया, सर ने ऐसे ही बोला, मैंने ही पूछा था। कोर्ट में जाकर से बोलने से पहले लोगों को पता नहीं था क्या हो गया था, आगे पीछे कुछ नहीं देखते। एडवोकेट सेतुलक्ष्मी है तो लोगों कोर्ट में मिलते हैं। ये एडवोकेट सेतुलक्ष्मी के बारे में आप क्या बोला था सर? स्मार्ट है। हाँ वही वही। सच है क्या? और नहीं तो क्या, इतना ही नहीं, दैट शी इज यंग टैलेंटेड एक्टिव एंड ब्यूटीफुल, कीप इट अप। सुना सर ने क्या बोला? एजी मेरे बारे में क्या बोलते थे? That she's young, beautiful, talented. तुम लोग सब मेरे बारे में क्या बोलते थे? पागल वकील, बेवकूफ वकील, बिना केस हुआ वकील। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। आओ श्रुति। इस केस में हमको क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने जो फोटोग्राफ का डाउट बताया था उसके अलावा बाकी वेस्ट है। इस नौजवान केस का कोई होप नहीं है सर। तो फिर जांच पड़ताल बंद कर देंगे क्यों? ऐसा नहीं बोला था सर हम। गोपी सर, पहले आप एक चीज समझ लीजिए, इसकी गलतियां और कमियों को दिखा के मनु कभी नहीं बच सकता। वो स्टेज कब का चला गया? बचने का एक ही रास्ता है। इस क्राइम का असली अपराधी ऐसा कोई है? है तो उनके पास इन्वेस्टिगेशन ले जाने वाले एक तो क्लू इसमें से मिलेगा, और नहीं तो इस केस से संबंधित पुलिस वाली रिकॉर्डिंग हमें मिलनी चाहिए। अगर रचाया गया केस है तो उसको किस तरीके से रचाया गया, आई मीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबूत और गवाह की ओर दिखाने वाली सर्कमस्टेंस, इस इन्फरेंस
उनका मेथोडोलॉजी, ये सब पुलिस रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। सर होगा, होना ही चाहिए। मीट मिस्टर कुरविला ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफिस, पहचानते हो ना? यहाँ रिकॉर्ड्स वकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है, तुम अपना काम देके जा। किसकी खबर खोलने के लिए ये रिकॉर्ड्स? नहीं जानता तू? तुम्हारा वो नरी है ना, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती अभी बंद कर दो, तुम्हारा कुछ अच्छा होगा, वरना मुश्किल है। हाथ पैर लापता होगा तब तुम समझोगे। भाई साहब, ये रिकॉर्ड्स के लिए पूरे दिन नहीं चाहिए, बस कुछ देर के लिए, इतना काफी है। एक जिंदगी बचाने का केस है, उसका पुण्य भाई साहब आपको मिलेगा। अरे जावे साले, किसको चाहिए तुम्हारा पुण्य? तुम किसके साथ खेल रहे है तुम नहीं जानते। अभी उसके घर में 4 पैसे है, वो कैसे भी जी लेगा। तेरे पास क्या है? उसकी तरह नारियल का पेड़, उगाई का जमीन, खेत कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ एक कांस्टेबल का बेटा है, ज्यादा होशियारी तुम दिखाएगा तो अच्छा नहीं है। सच बताओ भाई साहब, आपके ऊपर पर कोई प्रेशर है क्या? रिकॉर्ड्स पूछो तो मना करने के लिए किसी ने बोला था क्या? अरे वाह, उसके बीच में सवाल जवाब तुम धक्का लगा के देख रहे क्या? मुझ पे प्रेशर डाल के देख, तुम्हें जल्दी हिल जाऊंगा। आप तो मरे हुआ मेरे बापा को पूछेगा तो भी नहीं मिलेगा, फिर हो तुम। चल हट, चल हट। नहीं चाहे रे साले, तुम्हारी मदद मेरे को नहीं चाहिए। 10 रुपए जमीन पर डालो तो तुम रेगोगी उसे चाटने के लिए। कोई भी रिकॉर्ड उसके घर तक पहुँचाओगे तो ये सब कोई ने जानता सोचा है क्या? और फिर फॉरेंसिक लैब तक जा कर रख हुआ है इस जगह पर। ज्यादा जिद मत करो, खोदना तो मुझे भी मालूम है, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी अ डर्टी स्काउंडरल लाइक यू, अंडरस्टैंड? किस बात का झगड़ा है? कुछ नहीं सर। मेरी आवाज सुनी? वो कुछ नहीं सर, भाई साहब की बेटी की शादी मुझसे करने की बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। अभी नहीं होगा कि मैंने बता दिया उसे। ये अभी शादी के बाद बुलाओ ना ससुर जी। मैं मैक्सिमम कोशिश कर दिया सर, वो मान नहीं रहा। ऑफिशियली चला तो हफ्ते, महीने या साल भी चलेंगे सर। रिकॉर्ड शायद मिस भी हो जाए। और कोई रास्ता? रास्ता है क्या? कानून तोड़ो सर, वी शुड ब्रेक द लॉ, समझे? नहीं चोरी करो। अभी समझ में नहीं आया? चोरी करो। अरे ये क्या, मोटरसाइकिल रेस क्या? अरे क्राइम ब्रांच क्या यहाँ पे शिफ्ट हो गया? वो टाउन हॉल के पास था, अभी नहीं है क्या? चुप रहो। ये कार स्टीरियो थोड़ा संभाल लेना, बहुत सारे चोर हैं यहाँ पे। सही बोला, इससे थोड़ा बच के रहो। अरे सर ये आपका घर है, मुझे लगा तुमने समझा। सांप का घर ही है। अब कैसा है तेरा ऑपरेशंस? अरे सर सरकार हट गई, खजाना खाली है, अब मैं साफ हूँ। लेकिन ज्यादा मुश्किल हुआ तो 300 मोबाइल फोन, 250 एसी, 260 कंप्यूटर, बस उतना ही, और कोई मेजर डिलीवरी नहीं है सर। सब जेल से निकला है सर, मैं जल्दी लौटूंगा सर। इन ऑपरेशंस का नया नया टेक्निक्स क्या है? क्या सर आप भी थोड़ा शुरू करना है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप ये ऑपरेशन से हल्की चोरी या पॉकेट मारना चाहते हैं? हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग नहीं, एक बड़े बिल्डिंग से। आप सीरियस हैं? हाँ सर, ये बिल्डिंग यानी बहुत तरह के हैं, ऊंचा बिल्डिंग, रोड डाला हुआ बिल्डिंग, दीवार बांधा हुआ, चिमनी वाले, बिना चिमनी के। यू मीन विच बिल्डिंग सर? समय नहीं यार, अभी नहीं। आई शुड टेल यू लेटर सर। समझ में नहीं आया सर। समझ गया। बेटा। हाँ माँ। तुम्हारे लिए एक फोन है। या ये कौन सी चीज है? ये भी पुलिस है क्या? काम से मैं भी पुलिस जैसा ही हूँ। पुलिस का खास आदमी है माँ। ये क्या, पीने के लिए कुछ? हाँ, कुछ गरम मिलेगा तो। अच्छा चाय दे दो। ठीक है। क्या बे? चाय हो या कॉफी, गरम चाहिए बोल रहा था ना। माँ है क्या? नहीं मदर है। मैंने सोचा मम्मी होगी। चुप रहो, चुप रहो। ये डेड बॉडी की बोरी में लिया हुआ फोटो।
माँ और बच्चे साथ मिलकर सत्याग्रह। अबकारी कॉन्ट्रैक्टर कुछ नारायण के घर के आगे माँ और बेटे दोनों मिलकर सत्याग्रह। अधिकारी से न्याय की आवश्यकता करते हुए राज एक्साइज विभाग की क्लास 4 कर्मचारी नारायणी और उनकी बेटियां साथ में किया हुआ सत्याग्रह। ब्रिंग इट प्लीज। तेरह जून 86 के दिन काम से वापस लौटते समय को एक गाड़ी के टकराने से घायल हुई नारायणी अम्मा को लोगों ने अस्पताल में भर्ती किया। बाद में पता लगने से कि गाड़ी अबकारी कॉन्ट्रैक्टर कुछ नारायण की थी और जब शिकायत के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा तभी माँ और बेटी कुछ नारायण के घर के बाहर सत्याग्रह शुरू किया है। सर, विशेष नाहत है, हम जांच कर रहे हैं जोड़ियों को क्या लेना देना संबंध है। मारा हुआ रवि कुमार राज्य एक्सरसाइज विभाग का कर्मचारी था, ये नारायणी वही ऑफिस का क्लास 4 कर्मचारी, और रवि कुमार की हत्या के सिर्फ एक दिन बाद ये एक्सीडेंट भी हुआ। बस इतना ही? ये तो फिर हाथी और घोड़े के चार पैर बोलना। अगर कोई संबंध नहीं है तो इस लाल निशान का क्या मतलब है? कुछ भी होने दो, इस केस को उस दिन जांच करने वाले इस खबर को इतनी अहमियत क्यों दी? वो छोड़ो, मुझे इस नारायणी अम्मा से मिलना है, जरूर मिलना है। नहीं, हम ये कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? जो भी रास्ते से जा रहे हैं देख लेते हैं। क्यों सेतुलक्ष्मी? जानबूझकर सर, उस कमीने ने मुझ पे गाड़ी चलाई। जानता हूँ, जानबूझकर ही है। आपको भी लगा ना, उसका कभी भला नहीं होगा। 15 बार माजे आपने यही बोला, आप तो जरा आगे तो बढ़ो। देखा बेटा, तुम्हें भी लगा ना। पहले से लगा। बेटी तुम क्यों ऐसी खड़ी हो, बैठ जाओ। उस दिन से मैं विकलांग हो गई, मेरी नौकरी भी गई, इस पैर के साथ मैं कैसे चलूं? मेरी दुखी कहानी में किसे सुनाओ। बेटी तुम क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ, बैठो ना। सच है सर, उसने जानबूझकर मेरे पे गाड़ी चलाई, मेरे बच्चों को और कौन है। जैसे नारायणी अम्मा ने बोला, कुछ नारायण ने जानबूझकर ही किया, पर जानबूझकर करने के लिए कोई तो एक कारण होगा ना, है कि नहीं? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, जानबूझकर ही गाड़ी चला। पुलिस वालों को बोला तो वो सुन नहीं रहे हैं, उनका एजेंट है कहकर 10,000 रुपए देकर मुझे बेवकूफ बनाया। बेटी तुम क्यों खड़ी हो, बैठो ना। उस एक्सीडेंट के बाद माँ ऐसी ही है, एक ही बात बार बार बोलती रहती। ये सांप कौन है, आपके पति है? नहीं नहीं, पर ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे राम लखन है। आप यहाँ आइए। राम लखन नहीं, राम और सीता की तरह है। बोलूंगा पित्यू, आप मारेंगे ना। माँ के ऊपर जानबूझकर कुछ नारायण ने गाड़ी चलाई। हाँ बेटी, जानबूझकर चलाने के लिए कुछ तो कारण होगा, वो क्या है? वो मैं उस कुत्ते के बच्चे को वो फाइल नहीं दिया इसलिए। वो कौन सा फाइल, कौन सा था वो कुछ नारायण को चाहिए था? वो रवि कुमार सर जांच कर रहे वो फाइल, बेचारे सार और उनकी बीवी को उस दुष्ट ने मारा। दुष्ट? कौन दुष्ट? वो सांप के भाई, उसे फांसी नहीं काट काट के फेंकना चाहिए। आपको किसने बोला कि उसकी भाई ने मारा है? पूरे शहर में खबर है, पेपर में आया था। कोई फायदा नहीं। मुझसे बोलिए माँ जी, उस दिन कोचिन नारायण ने कौन सी फाइल मांगा था? वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये नारायणी ने जो फाइल बोलो वो मिल जाता तो कुछ और रवि कुमार को कनेक्ट करने का वो लिंक मिलता। ओके डन सर, आप जरा निकलिए। अगर उनके द्वारा ऐसा एक केस रचाया गया है तो उन फाइल्स को घुमाना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने पहले वही किया होगा। नहीं सर, ये कुछ को उठा लिया तो देखते हैं, उसका वक्त नहीं आया।
भगवती कुंद के हत्या प्रदेश से कोई हो तो उन्हें उठाओ। अगर उनको कुछ नारायण से कोई भी कनेक्शन है तो हमारे शक मजबूत हैं। क्या हम रूट बदल रहे हैं? पहले कुछ नारायण, फिर नारायणी, अभी हत्यागर, क्या है इन सबका मतलब? जस्ट ओबे ऑर्डर्स, डू यू गेट मी? क्या हुआ? भगवती के उन प्रदेश पर कोई हथियार नहीं है सर, पर बगल में कान्यापुर जगह में है एक अयपन, पर उसका ये कोची नारायण कोई संबंध नहीं है। फिर तो अपने इकोनॉमी की जिंदगी नहीं है उसका, आजकल अच्छे हाले में है वो। शक की कोई जरूरत नहीं है, उठा लो अयपन को। उठा लिया सर, अयपन को इधर लाओ। ये है सर। गोपी पिल्ला, डन सर। अच्छी कमाई चल रही है, ये कहां से चोरी किया? सर सच में मैंने चोरी नहीं तो की। ये नकली है सर। अच्छा अच्छा, तुम सिर्फ बैलों को बांधते हो या फिर? बैल को ही लगाते हैं ना सर। इंसानों को नहीं बांधते? अरे नहीं सर, इंसानों को नहीं। तो फिर एक को बांधना है। चंद्रदास सर, बांध इसको। तूने इनको मारा था ना? अरे नहीं सर। सच बोल दे। नहीं नहीं। चंद्रदास सब। तू सच नहीं बोलेगा ना? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हाँ सच में मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर? सिर्फ बोरियों में डाल के चोटी से नीचे फेंका। किसके लिए? वो एक खींच के रखो, बोल बे। वो कमाल के लिए। कमाल? मुस्तफा कमाल, कराटे कमाल भी बुलाते हैं। कराटे कमाल, वो कौन है? ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता, कोई तो एक गुंडा है। एक लड़ाई केस में मैंने उसे लॉकअप में मिला था। अब वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। चंद्रदास सर, एक और तेरे से मैं बुलवाऊंगा। बहनों से पहले चलो, सारा जगह दे दो औरतों, सारे मजदार आगे चलो। हेलो हेलो, कहाँ जाना है? एक पंचायत। ओ तभी इतना नींद है? 2.5 रुपये हर दिन तो जाती है, शर्ट पर पहन के चलती हो, बाकी 50 पैसे दो, 2.5 रुपये मालूम है। अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या सर, आपका सरकारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई? नहीं, क्या मैं अली भाई से मिल नहीं आया? अरे अली भाई नहीं, मोहिदीन, वही असली नाम है। हरामी की तरह जीता था वो अली भाई। हाँ वो सब बंद कर दिया। सब कुछ बीच कर ये बस खरीदा। इसका कंडक्टर, चेकर, ओनर सब मैं ही हूँ। और क्या, सब मन की शांति है। चाकू नहीं, बंदूक नहीं, कून नहीं, अंडरवेयर नहीं, अंडरवर्ल्ड नहीं, फिर पुलिस भी नहीं। अरे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं। अरे जरा उठना। छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अली, कौन है ये मुस्तफा कमाल? ये नाम सुन के कुछ याद नहीं आ रहा। तो फिर कराटे कमाल हो तो? अरे वो आदमी, वो तो डेंजर है सब। क्या बात है? बात है, आ जाओ बताता हूँ। अबे अच्छा, ये कराटे कमाल कहाँ का है? यही कहीं का है, पर कहाँ है ये पता नहीं। कहाँ खोजने से मिल सकता है? कभी कभी आना जाना है। स्थाई जगह कहाँ है ये मुझे नहीं पता। मुझे वो कैसे भी चाहिए। अल्लाह, गड़बड़ हो गया। आज तो कुछ काम भी है, एक दो ट्रिप ज्यादा चलाना भी है, कल परसों तो चलेगा। काफी है, पर उससे ज्यादा मत खींचो, निकलता हूँ। सर मैंने सिर्फ कोशिश करता हूँ। कोशिश करोगे तो समझो काम हो गया। अब तो फिर कंफ्यूजन हो गया सर। क्यों? सुबह तो कुछ नारायण प्रता, अब जाके किसी कमाल पे आ गया। कुछ नारायण कहीं नहीं गया गोभी पिल्ले, वो अभी भी है वहीं पे है।
कल तुम्हें अत्यागर बेच के मैं कल हॉस्पिटल गया था मनु से मिलने। अगर उसको कुछ लगता है या नहीं कुछ नारायण का नाम सुन के, उसके बदले में उसने बहुत कुछ बोला। एक बार ये एडवोकेट तंबी कुछ नारायणन और फिलिपोस इस रवि कुमार को मिलने गए थे। वो स्टोरी, इट वॉज वर्थ लिसनिंग। नमस्ते सर, आपसे थोड़ी बात करनी थी। दोबारा पुरानी बात करना है तो दिलचस्पी नहीं है। प्लीज वी आर कम विद द डील। मेरी परेशानियों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करो सर। ठीक है। सिर्फ गांधी है, एडवांस समझ लेना। इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेगा? कुछ नहीं सर, माड़ाइकल मध्य घटना आप ही जांच कर रहे हैं ना? सिर्फ मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आप सिर्फ आपका आंख बंद कर लेना, पुलिस और पॉलिटिशियन सब रेडी है। बस थोड़ा सा दया दिखा दो, बेचारा इसको भी जीने दो ना। व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन दिस? आपको बिनता क्या रिश्ता क्या? आपका सरकार का संबंध क्या है? सरकार जो तनख्वाह देता है वो आप पॉकेट में भर लेते हो। बस ये आदमी फीस देता है और मैं इसका सेवा, बड़ी मुश्किल में। अगर आप चाहे तो ना करे तो आर्थिक तौर पे इसका भविष्य बर्बाद हो बर्बाद होना चाहिए, डूबना चाहिए, तभी दूसरों को सबक मिलेगा। एक दो नहीं 30 घर आना तो ये आपकी शराब पीकर आरती कष्टी नहीं सलाह की गिना तो बाकी जिंदगी पर, वो भी अकेले नहीं। पॉलिटिशियंस और पुलिस मिलकर 22 लोग इस केस में संबंधित है, एक भी नहीं बचेगा। अब पॉलिटिकली इसे संभालने की सोच में है तो नहीं होगा। रिपोर्ट तैयार होते ही गवर्नर की जाएगा, उसके बाद पत्रों को, फिर ये आएगा गवर्नमेंट को। मैच्योरिटी नहीं है तुम्हें, बिल्कुल अमैच्योर है। अंदर पाव रखते ही मैंने बोला कि बी प्रैक्टिकल, क्या करें? समझ में नहीं आ रहा, इन बॉयज लोगों को धिक्कार कर तुम यहाँ रह सकते हो क्या? सोचो, जी सकते हो तुम? क्यों, धमका रहे हो क्या? बेशक, निकालो पेटी। ये सो रहा, चल हटो यहाँ से, निकलो बाहर। चुप, इसलिए इंसल्ट कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे खड़ा हूँ। यहाँ भी तुम्हें मैं मार कर गाड़ सकता हूँ। इस एडवोकेट पद्मनाभन तंबी को नहीं जानते हो तुम? सर छोड़ दो सर, नहीं। क्या सोच के बात कर रहे हो मुझसे? शर्म ही नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या समझ रखा है इसने अपने आप को? छोड़ो मुझे। तू भी हम पी क्या काम है, अंदर जाओ। इतना बड़ा शत्रु रवि कुमार ने, ये बात किसी ने बोला क्यों नहीं? स्ट्रॉन्ग मोटिव प्रूव करने का बात है। एट टाइम्स यू बिहेव ऑलमोस्ट लाइक अ फूल सर। बट उतना नहीं बोलूंगा मैं। उस दिन जब फिलिपोस तंबी और कुच्चू गए थे, उस घर में और कौन था? मनु, रवि कुमार और भाभी, रवि कुमार की बीवी। उसमें दो लोग आज जीवित नहीं है, तीसरा आदमी वो है मनु, उनके कत्ल का गुनेगार, विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड विटनेस अगेंस्ट हिम। इस तंबी और ग्रुप को वहां पे और किसी ने देखा? नहीं सर। नहीं ना, कोई सबूत है? नहीं। तो इस कहानी को कौन विश्वास करेगा? वो भी उस केस के गुनेगार ने ही बोला तो? मुझे उतना नहीं गया सर। जाना चाहिए उसके आगे भी। यू आर अ पुलिस ऑफिसर, थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीप। राइट सर। गोपी सर, ये कोई मामूली केस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद इसको रिओपन किया गया है। सो दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज ऑन अ मॉरल इंटीग्रिटी एंड अ वेरी एग्जिस्टेंस। देयर इज ओनली वन आंसर टू दिस केस, डू और डाई। मे आई कम इन सर? यस। मिला? मिला। 88-89 के समय में मुस्तफा कमाल का केस था। 3 क्रिमिनल चार्जेस, फर्स्ट एक रेप केस, सेकंड मर्डर केस, फिर लड़ाई झगड़ा। उसमें पहले दो केस में सबूत नहीं था इसलिए छोड़ दिया, तीसरे के लिए कुछ छोटी सजा मिली। इन तीनों केस में उनके तरफ से पद्मनाभन तंबी अपियर हुआ था। That's quite interesting. हाँ। लक्ष्मी का फ्लाइट टिकट अब तक ओके नहीं हुआ है, वो पूरी टेंशन में है। अरेंज नहीं हुआ तो नहीं जाएगी। अरे? हमारी बेटी नहीं, फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार। तांबी सर, हमें पैसा नहीं लगता, हमारे साथ में थे मंगलापुरम में, साथ में अब्दुल्ला भी थी, अपनी सीएस का पुराना केस लड़नी। हम वो मिलेगा तो बोला था ना आपको, बड़ा झिंगा चाहिए। तो मैं गया था ना
बड़ी झिंगा लेके आने। मुझे याद है, बस वो सब जरा मजाक था। फिलहाल यहाँ कैसे आना हुआ? ये मेरी दूसरी बीवी की तीसरी भाई की चौथे साल है, अब्दुलरहमान भाई है ना भाई? ये आपकी एक ही बीवी है? हम बहुतों को रख सकते हैं, इसलिए पूछा है। अभी इन्हें क्या दिक्कत है? ये मेरी दूसरी बीवी। समझ में आ गया बात। अब्दुलरहमान भाई को आपसे सहायता चाहिए। कैसी सहायता? ओ कमाल, मुस्तफा ऐसा कोई है ना? बात क्या है? आप चाय पियो, एक मिनट साहब, एक मिनट आइए। भाई को बहुत बिजनेस है, साथ में थोड़ा सोने का भी। सबसे ज्यादा जिसने विश्वास किया उसने धोखा दिया, उसने वापस देना है। इसलिए हमारी रीति वकील को पता है ना, ये सब बराबर करना है। सीए से पूछा तो आपसे कंसल्ट करने को बोला है। वैसे वो जल्दी हाथ में नहीं आएगा। आप लोग कहाँ रुके हो? ताज में 501 स्वीट। शाम को वहीं आके मिलूंगा। जरूर आना, बहुत साल हो गया मिलकर कुछ धमाल करते। बड़ा चिंगा यहाँ भी मिलता है ना। तो फिर मैं बाय। मिस्टर DYSP, मेरा नाम तंबी है, पद्मनाभन तंबी, एडवोकेट। खुशी हुई मिलके। पहले कभी मिले नहीं है, लेकिन सुना आपके बारे में बहुत। पुलिस फोर्स का दी वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर, और फिर लोगों को आपका वीर कथा गाते हुए भी सुना है। पर जो आपके जो डेप्यूटीज है, यानी कि जेलों को मुझसे रहस्य हासिल करने के लिए जो बेश बदल कर भेजा था, वो प्लान तो नाकाम हो गया, कंप्लीट फेलियर। आप तो बड़े चीप निकले मिस्टर नरीमन, कई पुराने नाटक की दाढ़ी लगाकर अच्छे खासे कासरोर की भाषा बोले और मैं उनका ना समझ पाऊं तो मुझे अपना धंधा छोड़ के ये धंधा करना होगा। लो आ गए कासरकोड़ के भाई लोग, बड़ा जिंगा सीएस और पता नहीं और क्या। लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम जो कमाल को ढूंढ रहे हो, मुस्तफा कमाल या कराठे कमाल, वो जैसे कि तुम सोच रहे हो वैसे छोटा मोटा आदमी नहीं है। इस जीनियस या हीरो, उसको उठाने का काम तो तुम नहीं कर सकते। उसने मेरे लिए काम किया है, मेरे कहने पर। किसी दिन तुमसे मुलाकात करवा दूंगा, इट विल बी अ रेंडेवू। उस दिन तक इंतजार करना। इस केस के बारे में सोचकर ज्यादा दिमाग ना खपाओ, इट्स अ क्लीन केस। अस्पताल में जो लड़का पड़ा है ना मनु, इज इनोसेंट, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर एक केस में कोई ना कोई लूपहोल तो होगा ही, या फिर भगवान को ही करना होगा चमत्कार। लेकिन इस केस में वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस केस को फ्रेम करके लड़ा है मैंने। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई। इफ योर वॉइस चेंज, चेंज योर माइंड। I will give you dinner. நல்ல ஒண்ணா அந்தர மால்பேக் கொஞ்சட. இன்கொ பி சாத் லே ஆ, मुझे इन कॉमेडियंस की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। बाय मिस्टर जीनियस। मैंने भी बहुत सुना है आपके बारे में, और खुद की प्रशंसा करना आप देख लिया, बेकार की एक जन्म है आप। आई फील पिटी ऑन यू मिस्टर तंपी। पश्चिम ट्रावणकोर की सुप्रसिद्ध पड़िंजाटपुरम महल परंपरा से बार पे गरजती आई उस विरासत की आखिरी कड़ी, यहां सेशंस कोर्ट से वहां सुप्रीम कोर्ट तक अपनी विवाद से रिझाने वाले एकेडमिक लूमियर एडवोकेट पद्मनाभन तंबी, आपने कब से शुरू किया ऐसे मुस्तफा कमाल जैसे थर्ड रेट गुंडे की आराधना? 89-90 के चित्रपुरम मर्डर केस में 20 में से 15 गवाहों को आपने पैसे और ताकत के बल पे बस नाकाम ही कर दिया। सिर्फ इससे मुस्तफा कमाल कानून से बच गया। क्या इसी वजह से उसने आपको वादा किया था कि किसी का भी खून कर लेगा? पूजा रूम ने आपने प्रतिष्ठित किया ना भगवानों के साथ, एक सोने का मूर्ति मुस्तफा कमाल, कल सूरज ढलने से पहले वो इन हाथों में रहेगा, वो ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक डिनर दूंगा, परहैप्स अ फेयरवेल डिनर टू योर लीगल प्रोफेशन। एक और इच्छा आपके मन में है ना,
भाग्य है तो आप एक बाल कटवाने की दुकान भी खोल सकते हैं। डिप्यूटीज को वेश बदल के जांच के लिए भेजने में नरीमान को कोई गलती नहीं हुई, वकील को आगे पता चलेगा। वेट टंटल देन। सच बोले तो अपने डिप्यूटीज को वेश बदल कर मेरे पास रहस्य जानने के लिए भेजना नरीमान का गलती नहीं है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा हासिल भी नहीं किया है। फिलहाल एक और फाइल नंबर ऐड होगा बस। नंबर नहीं, नरीमान बकवास नहीं करता। 8-10 साल से जानता हूँ मैं उसे। जब तक हम यहाँ सोचेंगे तब तक वो काम कर रखा होगा। कौन हो तुम, उसके पीआर या फिर उसका स्पॉन्सर? आजकल कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हो उसे। उसे सपोर्ट करना या नहीं करना मेरा काम नहीं है। डिप्यूटी को भेष बदल कर रहस्य पता करना, वो भी आप जैसे लोगों के आगे, उतना बेवकूफ नहीं है वो। तो फिर तुमने उन्हें भेजा क्या? लुक, आई एम सीरियस। वो कोई भी रूट से कमाल तक पहुँच गया है। अब उसे सिर्फ कनेक्शन, संबंध चाहिए और उसकी सबूत। कमाल और एडवोकेट तंबी के लिए, फिलिपोस और कच्चू, कच्चू और तंबी के कनेक्शन के लिए। सब लोग बोल बोल कर मेरी दुकान बंद कर दो। वो बंद करके बैठो। हाँ, बैठ गया। तुम क्या बोलना चाहते हो, खुला बोलो। कैसे रूट वाले जाते ही आपने मुझे मजाक के लिए बुलाया, कोचू को भी बुलाया, हम सब आपसे मिले। प्रधानमंत्री का भी फोन टेप करने वाला राज है ये। आई रिपीट, अपने डेपोटी को फेस बदल कर भेजने वाला नरीमान नहीं है वो। उस दिन अस्पताल से मन्नू को निकालने के लिए मैंने बेवकूफी की, आज उस जगह पे आप हैं। आपको मैं क्या बुलाऊं, सुपर उल्लू? दिमाग ज्यादा हो जाए तभी मुसीबत है। मुसीबत है, उसे दूर से भी देखो तो घिन आता है। फिर भी मैं कहता हूँ, युद्ध में उसे हराना है तो शक्ति और बुद्धि के अलावा किस्मत भी होना चाहिए। अरे किस्मत ही तो है हमारे पास, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम यहाँ पे बैठे हैं ना। हेलो, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, अर्जेंट बात बोलने के लिए बुलाया। बोलो। कहाँ? जनरल हॉस्पिटल में। ठीक है। फोन पे? मेरी बेटी के पति का भाई। क्या हुआ? उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तबीयत खराब है इसलिए बुलाया। सर ये वकील और फिलिपोस का कॉन्वर्सेशन, ये वकील वर्सेस कुछ नारायणन, ये फिलिपोस वर्सेस कुछ नारायणन। तो अब लीड हो गया सर, अब नॉकआउट, जो चाहे उसे रखकर बाकी बेच देते हैं। सब रख लेते हैं। ये क्या हाल है बेटी तुम्हारा? चलो हम चलते। कहाँ पे? कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चलते। यहाँ चिकित्सा के पैसे ही हैं मेरे पति के पास। बेवजह जिद मत करो, चलो चलते। मैं आऊंगी, पर मुझसे वादा करूँ, आज से आप बदल जाओगे, भगवान के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगी, वादा करो, होगा क्या? वो सब उतनी आसानी से नहीं होगा। नहीं तो मुझसे नहीं होगा, आपके साथ आना। फिर तो ये कम से कम रख ले। नहीं, ये लोगे ठीक नहीं होगा। लेना, जीत मत करो, जानते हो ना मुझे। माँ को क्यों बताया आपने? तो ठीक है, एक बात तो मानता हूँ कि अपने कुन पर किसको प्यार नहीं होगा। कठोर मोह के बदले हल्के जज्बातों से लगने लगोगे तो हमें बहुत होशियार से रहना पड़ेगा। मुझे कुछों के बारे में या फिर फिलिपोस को कुछों के बारे में जानने से ज्यादा अम्बनी हमारे बारे में जानता है। अजयन, अब से तुम्हारी एक आंख उस पर लगी रहनी चाहिए और तुम्हारी दूसरी आंख उसकी बेटी पर। सर, मैं अली भाई, कमाल। कहाँ हूँ अली भाई? हाँ, समझ में आया। वो अंदर ही है सर, कहीं नहीं गया, बाहर से ताला डाला है, किसी को शक न हो। मैं अभी निकला। ओके।
कमल, जो भी है खोल के बोल दो। मुझे नहीं मालूम। उस दिन सिल्वर स्टार होटल में क्या हुआ था? 1/12/98 की रात को। बोला ना, नहीं मालूम। अभी मेरे कमाल भाई, मैंने कुछ नहीं बोला था, मुझसे बुलवाया गया था, बोल दिया मैंने, उतना मारा था मुझे। बोल अभी, क्यों मारा था तुमने? बोल, बोल। मैं बोलता हूँ। रवि कुमार से मिलने वकील कोच्चू और फिलिपोस ने गए थे, साथ में मैं भी था। मुझसे खेलने की हिम्मत? अंबियोड़ा बंदे कर रहे हैं। कौन वो लड़का? उसके बारे में मैंने बताया था भाई, मनु मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। I'm sorry. ये कौन? रवि कुमार की बीवी। कभी कभी भगवान क्या रास्ता दिखाता है। कुछ तू चित के, अरे देखा क्या? इससे रवि कुमार का भाई ज्यादा जमता है। दिस इज योर टास्क। यस सर। जो बोला याद है ना? अब तुम अपना काम कर सकते हो। ओके, सी यू। गुड नाइट। सिल्वर स्टार होटल में रवि कुमार और बीवी रुकने का पता करके मैं वहां गया। सहायता के लिए हत्या करके अयपन बीता। मनु जाने तक अमरुक है। Yeah.
यही से नीचे फेंका था ना बॉडी को? हाँ साहब। इसको भी नीचे फेंक देते सर। सच में वही करना चाहिए, पर गुनेगारों की गिनती कम हो जाएगी और केस भी नहीं। ये केस जब अदालत पहुंचा तब सत्य कैसे असत्य हुआ, मनु कैसे गुनेगार बना, टैक्सी ड्राइवर करुणाकरण जैसे लोग साक्षी के लिस्ट में कैसे आए, मनु के शर्ट पे खून का दाग कैसे आया। बोल। बोलता हूँ। धनपति हत्या का केस का चार्ज मुझे दिया, ये रहा ऑर्डर। अबे मैंने ही तो ये चार्ज तुम्हें सौंपने को बोला है और तुम मुझे ही दिखा रहे, समझाओ यार इसे। और फिर सबसे कुछ होगा ले तो मैं क्यों डरूं? बहुत ही सावधानी के साथ इस केस को रचना होगा, पत्रों से टेलीविजन से कुछ कवर लेना होगा और कुछ मनगठन कहानी भी जोड़ना होगा इसके साथ। क्या है उसका नाम? मनु। क्या? मनु। हाँ मनु। जांच आगे बढ़ते ही ये जो पत्रिकों में आने वाले कवर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए और उसके साथ चाहिए होगा कुछ सॉलिड सबूत। टू प्रूव द मोटिव, ये साबित करने कि बाई को पहले से ही अपने बाबी पर ऑब्सेशन था। अरे वाह, इन दोनों के बीच में पहले से कुछ था? फर्स्ट क्लास एविडेंस, ये कहाँ से मिला? जैसे कि तुम पूछोगे और मैं तुरंत बता दूंगा। होटल सिल्वर स्टार पे उस रात जितने लोग ड्यूटी में थे उन सबको लिस्ट में ले लो, इसलिए जैसे हम सिखाते हैं वैसे कोर्ट में बोलने के लिए। और ऋषि, होटल के पास वाले टैक्सी स्टैंड में किसी ड्राइवर को सेटिंग करके रखो। क्यों? बताता हूँ, रवि कुमार का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया। गुड, सेम ग्रुप ब्लड जरा स्टॉक पे रखना, उससे खेलना होगा। दैट विल बी अनदर पीस ऑफ एविडेंस। कैसा है? एकदम। ये जहां से लिया वहीं डाल दो। हे, इधर आओ, इधर आओ। मुझे क्या? क्या नाम है? करनागर। जीप के पीछे। किधर सर? मंदिर के लिए एस्कॉर्ट है तुम, मैं नहीं। 3 महीने पहले की ट्रिप का पैसा भी नहीं दिया। आने के बोला ना तुम्हें? सर, ये टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर करनाकरन। सर, इसने उस दिन वो आदमी को देखा। कुछ दिन पहले सिल्वर स्टार होटल में हत्या हुआ, रात के 10:30 और 11 के बीच। हाँ मालूम सर। फिर वो डेड बॉडी को कार में लेके गए, तुमने कुछ देखा? सच में नहीं देखा सर, उस दिन रात का ट्रिप खत्म करके मैं 12 बजे आया। नहीं, तुम कहीं नहीं गए, डेड बॉडी कार में ले जाते हुए तुमने देखा? भगवान सच सर, मैंने नहीं देखा। बोल रहे अबे, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुम्हारी कार में ले गया वो मैं बोलूंगा, तुम्हें गुनेगार ठहराऊंगा, समझ में? मेरी बेचों की कसम सर, मैंने नहीं देखा। सर बोल रहे हैं ना, मान जाओ तो क्या होगा? गुनेगार बनेगा या साक्षी बनेगा? आप जैसे बोलो। इसको देखा तुमने? यही सब मैं तुम्हारी बात पूरी तरह से मानता हूं, पर ये मुझे मुश्किल में डाल रहा है। क्या है यार इसका मतलब, ये कैसे हुआ? तुम आपस में हंसोगे तो मैं समझ में आएगा। सर एक कॉल। टीआरडी अशोक नरीमान, क्राइम ब्रांच, मुझे सीएम के थोड़े फोटोग्राफ चाहिए इमीडिएटली।
स्टूडियो से जो मिला था रवि कुमार और उसके वाइफ के फोटोग्राफ्स, अभी पुलिस रिकॉर्ड्स के फोटोग्राफ्स, अभी जो मेथड मैंने तुम्हें दिखाया वही मेथड इसमें यूज किया है। पति के जगह पे देवर का यूज किया है। ये हमारी पुतनूर का एमएलए है ना, ये क्या है यहाँ पे? ये क्या बकवास रखा है तुमने? घर वाले पार्टी वाले देख ले तो। सर आप उन्हें ऐसा कभी पकड़ा है क्या? छह पकड़ा है क्या? वो उम्र है क्या मेरी? अपनी बीवी से गले मिलके हर्षे हो गई, फिर ये। पहले कोए कुटी को फंसाने के लिए हमारे मारार ने काम किया था, वैसे ही मुझे ब्लैकमेल करने का इरादा है ये क्या? वैसे कुछ नहीं सर, जैसे ये है ना, ये भी डुप्लीकेट है, मेड टू ऑर्डर। That is technology, sir. समझ गया। अब कुछ नहीं देखना, सबको उठाकर अंदर डालो। सर। सर। साले चोर। अतिथि आ गए हैं। कुशन वाला कुर्सी हटा दिया? सब कुछ हटा दिया मालिक। जल्दी उठा के ले जा बे। नमस्ते नमस्ते। साहब यहाँ का रास्ता तो नहीं भूले थे? मेरे इस छोटे घर में आपका स्वागत है। सिर्फ गेटअप है। अरे रे रे रे, पहली बार आप सब मेरे घर आए हैं और बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, एक चाय बनाने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है, नारियल पानी पिलाने के लिए यहाँ पे पेड़ भी नहीं है। मालिक धोती। अबे चुप कर रह, धोती को भी पता चला। सुना कि आपने बुलाया था, उधर आ नहीं पाया, बहुत व्यस्त रोड में भी इतनी भीड़, फेट बकरी बस। उधर आने के लिए आप बहुत बिजी थे पता था, यहाँ मैं ये मुंह दिखाने के लिए आया हूँ। सब मेरे साथ ऐसे ही पेश आते हैं, मैं हूँ ना कर्ण की परंपरा का हूँ ऐसा ये लोग बोलते हैं। सब कुछ दे देता हूँ, झंडे की ऊंचाई लंबाई रंग या चिन्ह ये कुछ नहीं देखता हूँ। एक्साइज को दिया, पुलिस को दिया, चैनल को भी दिया है। भगवान जान कर देते हैं ना, हम क्यों कंजूसी करें इसमें। आप भी जितना चाहे ले लो। साला चोर। कुछ दिन पहले एक मजाक हुआ था, कल ही था, फिनांस मिनिस्टर ने मुझे फोन किया और बताया देखो ट्रेजरी खाली हो गया है, तनख्वाह देने में मुश्किल है, दिक्कत है, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। जो बोला वो मजाक था लेकिन वो गर्व की बात है ना। केसर और दूध बस करो। अब बात पक्की करते हैं, देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेने के लिए आप तैयार हैं क्या? बात कर ले तो आपस की दूरी कम हो जाएगी। आप आईपीएस है तो मैं आईएएस, इंडियन अबकारी सर्विस, ये भी तो एक बड़ा सा एस है सर। तो फिर हो गया, गया क्या ये पागलपंती हो गया तुम्हारा? गोभी पिल्ला। तो आप बिल्कुल सीरियस है क्या? आप जेंटलमैन है मुझे पता है, और मुझे नहीं छोड़ेंगे ये भी मुझे पता है, फिर भी मैं आपको गिराऊंगा, ऐसी एक तरकीब मेरे हाथ में है, आपको देखना है क्या? सर मुझे बचाओ, सर भगवान मुझे बचाओ, मुझे मत ले जाओ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ सर। इससे ज्यादा दिखाएगा तो भी मेरे पास खर्च नहीं होगा कुछ। क्राइम नंबर 1230 सिटी क्राइम ब्रांच। पहला मुलसिम सालिम बाशा का बेटा मुस्तफा कमाल, उम्र 43 साल। दूसरा मुलसिम तेरविलगम अय्यपन का बेटा कुछ नारायणन, उम्र 39। तीसरा मुलसिम हरिहर वर्मा का बेटा पद्मनाभन तंबी, उम्र 47। चौथ मुलसिम माले फिलिपोस का बेटा थॉमस फिलिपोस, उम्र 39। ये केस ये कोर्ट पहले भी सुन चुका है,
Yes, Your Honor. You are appearing for? Prosecution PP, sir. उस दिन सेशंस का निर्णय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था, अपील मना किया था, am I right? Yes, Your Honor. ये केस दोबारा कोर्ट में आने का कारण? उस समय पुलिस ने रचाया हुआ केस. इस बार क्या मिलिट्री ने हैंडल किया था इस केस को? तब गुनेगार को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिला था, सेशंस कोर्ट में ही नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी. उस दिन रखे गए गवाहों और सबूत के बल पर गुनेगार को शिक्षा मिली थी. सर वो सब रचाया गया, वो सब आपका आर्गुमेंट है. कोर्ट को ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं. आई हैव समथिंग टू से योर ऑनर. योर ऑनर, यह एक साधारण केस नहीं है. एक विचित्र रीति में मौत की सजा दी गई एक युवा. सॉरी, गुनेगार कोई भी हो, कोर्ट को अनुशासन का पालन करना पड़ेगा. कोर्ट आश्रय करता है तो सिर्फ सबूत पर. क्या तुम ये कह रहे हो कि कोर्ट ने गलती की? गलती नहीं, गलत तरीके से विश्वास कराया गया है योर ऑनर. द कोर्ट डजंट थिंक सो. उस दिन किसी ने बोला था कि वो गुनेगार है, आज कोई और बोल रहा है कि कुछ और लोग गुनेगार हैं, कल कोई और बोलेगा कि ये दोनों गुनेगार नहीं. बदलते आ रहे सरकार के हिसाब से या पुलिस अधिकारियों के हिसाब से गुनेगार बदलती रहे तो कोर्ट का अनुशासन ही नहीं रहेगा. योर ऑनर, इस केस पे और कोई विवाद नहीं होगा. दिस केस इज डिसमिस्ड. ये क्या है, ऐसे टाइम पे दुखी हुए तो? मेरी किस्मत ही खराब है. कोशिश तो किया था ना. फेट वॉज अगेंस्ट अस. इट वॉज हार्ड लक. हार्ड लक. नरीमान, बिग एम्बिशन, पैक्ड परफॉर्मेंस. सच में तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है. इस तरह के केस कोर्ट में लाने से पहले मुझसे कंसल्ट कर लेते, मैं तुम्हें रास्ता बता देता. भगवान का चमत्कारी हाथ, लूपहोल्स. महाभारत का युद्ध शुरू करने से पहले दुर्योधन को किसने मुहूर्त निकाल के दिया पता है? पांडवों का नकुल. अपने किस्मत को निर्णय करने वाले युद्ध में मैं भी तुम्हारे और उसी तरह का सम्मान रखता हूँ. मैं फ्री में एडवाइस दे देता. तुम ही तो कह रहे थे ना, इससे जीतने के लिए भाग्य का रेखा होना चाहिए. अब घर जाकर शीशे में अपना मुंह करीब से देखो. वो रेखा नहीं दिखेगा, बेकार की जिंदगी दिखेगा. किस्मत होगा तो दोबारा मिलेंगे. अरे सर रुको जरा, वो बिगड़ा हुआ शक्ल तो देख लूं. आहा, वो पूरी दुकान बंद हो गई क्या? सुनो सर, एक अनुरोध है, मैं दिल खोल कर थोड़ा हंस लूं. आज पूरा मैं हंस लूं, वो मेरी एक आशा है. अरे और मुझसे हंसा नहीं जाएगा. बेटी, ये वर्दी के साथ घूम के कोई फायदा नहीं, कोई और नौकरी ढूंढ लो. तू मेरा काम मत बिगाड़, नहीं होगा तुझसे. छोटी है, छोटी. एक बार में मुझे तुमको खत्म करा था ना कुत्ते. अदालत के औदारी पे मिली हुई इस विजय पर इतना भी मत उछलना, ये बस आने वाली तूफान के पहले की छुपी है. नरक के बहुत बुरे सपने इंतजार कर रहे हैं तुम में से एक एक को. कानून हार सकता है पर नरीमान नहीं. डेयर हिम नॉट, प्रोवोक हिम नॉट, चैलेंज हिम नॉट. क्या
किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आई हूँ। जरूरत से ज्यादा कोशिश की है पता है, फिर भी ऐसे बुरे दिन देखने के बाद मेरी जान जाए, यही है मेरी विधि। मेरा एक उपकार करो, आखिरी बार मुझे मेरे बेटे को देखना है, गले मिलके रोना है, आशीर्वाद देकर विदा करो। एक अवसर दे दो, बोलो मेरे बेटे को दिखाओगे ना आखिरी बार? दादी माँ चलते हैं। बेचारी दोपहर को आई थी, बहुत बोलने पर भी अंदर नहीं बैठी, एक चाय तक नहीं पी। दुष्ट लोग, क्या नियम है यहाँ पर? मार डालो सबको, कुत्ते कमीने। कोर्ट है सोचकर शांति थी, अब तेरा गुस्सा कहाँ है? अब तो बोलो, पूछ नहीं सकता था जज से? जो कहना था सब कह दिया, फिर भी नहीं सुना तो देना। हाँ माँ, वो अधिकार हमारे हाथों में नहीं है। घमंडी कहीं का, पैर से सर तक तुम्हें घमंडी घमंड है। कभी भी क्लिफ हाउस में जाने का वीजा है ना, ये यूनिफॉर्म पहने वाले को किसी को भी पसंद नहीं करते। कुत्ते की औलाद, तुमने ये देखा? तेरे आदमी को खत्म करने का डॉक्टर का दिया हुआ फिटनेस सर्टिफिकेट। तुम और तेरे डॉक्टर गिरी कोशिश करके देखो, उसके गले से फांसी हटा के देखो, देखता ही रह जाएगा। फिलिपोस को तू जानता नहीं। आप मेरे सुपीरियर ऑफिसर हो, यूनिफॉर्म पहन के बहुत चीजें बोले जो बोलना नहीं चाहिए था, पर मुझे बुरा नहीं लगा। शायद आपको उसका लाइसेंस है। आपने बोला ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सका, अगर करते करते आऊं तो तेरे छाती तक करूंगा। सुना तूने साले? हाईवे एक्सीडेंट में मरे पड़े लोगों से चोरी करने के लिए कितना भी बड़ा चोर हो उसको बुरा लगेगा, वो करने की हिम्मत इस धरती पर सिर्फ एक ही इंसान में है, प्रशासन योग्य मानी फिलिपोस का बिगड़ा हुआ बेटा थॉमस फिलिपोस में। चोर बिगड़ा तो बड़ा चोर, बड़ा चोर बिगड़ा तो डकैत, डकैत बिगड़ के बासी हुआ तो फिलिपोस, फिलिपोस बन गए तो कुछ भी कर लो। कोई भी कुत्ते और क्रिमिनल के सामने झुकने वाले बहुत अधिकारी है इस डिपार्टमेंट में, उसमें भी तुमने उन सब को हरा दिया। एंड आई एम अशेम्ड टू से दैट यू आर अ डिसग्रेस टू द एंटायर पुलिस सिविलाइजेशन। एक निरपराधी को फांसी में चढ़ाने के लिए कितनी जल्दी है तुम्हें, कीड़े तक नहीं छुएंगे तुम्हें, उनमें भी है मान और सम्मान। मनु के केस में सिर्फ कानून हार गया है, नरिमान अभी भी जीवित है। लेट मी रिमाइंड यू दैट। देख देख मेरी प्यारी बेटी। पसंद आया तुम्हें? तुमने बेटी को स्वीकार किया क्या? वो पूछने आए हो के कमल? हाँ। अरे मेरी बेटी, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो, बोलो ना छोड़ने के लिए, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरी बेटी, छोड़ो उसे, छोड़ो, मामा, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो, वो जा रही है, पकड़ो उसे। छोड़ो उसे, छोड़ो, कहाँ जा रही है? छोड़ो, नहीं। अरे
देखा ना, अब वार्निंग नहीं होगा। इसको मरते हुए नहीं देखना तो ये यहाँ नहीं आएगी, तू उसे नहीं मिलेगी। तुम ही कह रहे थे कि अमनी हटने वालों में से नहीं है। हाँ, लेकिन वो मैं अब क्या बकवास कर रहे हो? हमनी अब पुरानी हमनी नहीं हो सकती, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब यहाँ हम सब और वहां अमने, और कोई नहीं जानता था कि ये कहां छुपाता। फिर भी नरिमा ने इसे पकड़ लिया, उसको किसने खबर दिया होगा? अमनी ने। सच में अमनी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। पहले ही तुम्हारी शराब बेचने की चारा रही होगी वो, इस कारण से उस पर ज्यादा दया दिखाना नहीं चाहिए। लोग क्यों कह रहे हैं? ये क्या बदबू है? स्लैब के नीचे कुछ पड़ा है सर। स्लैब के नीचे क्या चीज? जला हुआ एक बॉडी है, उधर जलाने के लिए कोशिश की है, पूरा जला नहीं, तभी स्लैब के नीचे डाला। आप इस तरफ कैसे? मैं एक ओरिजिनल लाश ढूंढने निकला हूँ। ले, ये है वो। ये कवरमणि है सब। हाँ, दो तीन दिन से लापता है, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया था, कहीं से भी ढूंढ निकालो। यहाँ पास के स्कूल में ध्यान चल रहा है, सारे पाप बिना बताए साफ करने की अमनी की लगा तो वो सही है। अभी ये स्लैब निकालने के लिए सामान कोई आ रहा है क्या? मुत्तू को बुलवाया साहब, ओके तो काम हो जाना चाहिए। ओ, मुत्तू एक्सपर्ट है। जले मांस की बदबू, कोई शक नहीं। अरे आगे चल। पकड़ पकड़ पकड़, नहीं तो खुद निकालोगे। पिछले बार नदी में मिला सदा हुआ लाश मुझसे बाहर निकाल कर साफ कराया और उसके पैसे नहीं दिया, उसमें 200 रुपये आपने डापे। इस बार 1000 रुपये पक्का मिलना चाहिए, नहीं तो लाश आपके घर में डालूंगा। बकवास बंद कर, काम पर लग। कौन है? सर्कल है, सर्कल सर। ये बार का 1000 रुपया, पिछली बार को 200 रुपये, सूद समय मिलना चाहिए। अच्छा सुनो साहब लोग, मुझे उल्लू मत बनाओ। पकड़ पकड़ पकड़, नहीं नहीं नहीं, हट हट, कमीशन नहीं मिलेगा। मैं जरा अंदर गया। तुम्हें जाऊं क्या? देख तो लो ओरिजिनल है या नहीं। मुश्किल है पता, फिर भी पूछता हूं, ये लाज माँ की लग रही है? पक्का नहीं बोल सकता है ना? ये उस डेड बॉडी में से मिला था, पहचानते हो इसे? ऐसे एक लॉकेट क्या माँ पहनती थी? ठीक है, मैं माँ के साथ ही तो किसी पुजारी ने बोलता पहनने। यह एक साधारण मौत नहीं है, क्या आपको किसी पर शक है? माँ के कोई दुश्मन थे? एडवोकेट पद्मनारायणन, कुछ नारायणन, एसपी फिलिपोस, कमाल। इनसे दुश्मनी का कारण? ये कुछ साल माँ से दूर थी, आप वापस करीब आई। आप दोनों से मिलना जुलना वो पसंद नहीं करते थे, है ना? हाँ सर। हाँ सर, अगर मैं माँ की मिलूं तो मुझे और बेटी के मार डालने की धमकी। माँ के मिसिंग होने का सूचना पुलिस को किसने दिया था? माँ के ड्राइवर शंकर बने। शंकर एटन। जोसेफ, फॉर्मेलिटीज हो गए तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, स्टेटमेंट लेके इनको भी छोड़ दो।
छेदने वाली उसकी नजर, उसके बाद एक हंसी, सब कुछ पता चला जैसे। उसको वहां देखते ही मैं जरा हिल गया। डेड बॉडी अमनी का है, बेटी ने पहचाना। मेरी दुकान बंद हो गई। दत्त साला, ये क्या मुसीबत है? कुछ करने के बाद होता तो ठीक। हाँ। सच बोल कुचू, कुछ गलती हुआ क्या? हाँ, गलती? और वो भी मुझसे? मैं उतना कमीना नहीं हूँ। फिर मैं और मालिक वो जगह देती है, बात करो। बाई बाई। फिर कौन है? कहीं वकील ने तो नहीं किया? ए, वो ऐसा करेगा? सर, अमिनी की बेटी की स्टेटमेंट। उस अमिनी के घर को सर्च करो सर। एडवोकेट तंबी, अबकारी कोचू, एसपी फिलिपोस, इन तीनों में से किसी को भी अमिनी के साथ कनेक्ट करते हुए कोई भी लिंक को मत छोड़ो सर। ध्यान रखो, वो चाहे मामूली सा भी हो। ओके सर। और सुनो, सीएम और डीजीपी को इस केस की रिपोर्ट जल्द से जल्द पहुंचा दो सर। हाँ सेतुलक्ष्मी, अगले मैराथन का टाइम आ गया है, प्रैक्टिस शुरू कर लो। एक और परीक्षा नहीं चाहिए सर, मुझे डर है, बहुत डर है। कोई बड़ा वकील होगा उनके तरफ, उनको देखते ही मेरे हाथ पैर कांपते हैं। प्लीज, मैं नहीं, कोई सीनियर होना चाहिए प्रोसिक्यूशन। नहीं होगा, वो लेके आएंगे दिल्ली या इंग्लैंड से किसी सीनियर एडवोकेट को, पर हमारे प्रोसिक्यूटर नहीं बदलेंगे। ये केस हम जीते या हारे, सेतु ही लड़ेगी। इसलिए नहीं सर। फिर? सीनियर सीनियर ही है सर, वो रेस्पेक्ट मुझे नहीं मिलेगा। एक और हार? नहीं सर। ऐसे क्यों घबराते हो? सुनो मेरी बात, लाइफ के ऐसे ही मोड पे अपनी पूरी जोश दिखाओ, बी कॉन्फिडेंट। कभी पड़े सर, इधर आओ। मैंने कुछ नहीं देखा सर, अगर देखा भी तो किसी को बोलूंगा नहीं। ऐसे नहीं चलेगा, जो तुमने यहाँ देखा वो वैसे ही वहाँ जाके बोलना चाहिए, थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी बोल दो। सर आप सीरियस हैं? हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैं संभाल लेता हूँ। गोभी पड़ा जाओ। जो देखा वो जाकर बोलने बोला, इधर यानी कौन? मेरी माँ से। माँ से क्या बोलना? वो सब गोभी पड़ा बोल लेगा। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है ना? कीप इट अप। राजेंद्रन, पूरी टाइम यहीं होंगे। ओके सर। सर। अमनी के घर पूरी तरह जानकर भी कुछ नहीं मिला। कैसे मिलेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, एडवोकेट तंबी का ब्रेन है इसके पीछे। पर हम ले आएंगे जरूरी सबूतों और गवाहों को, क्यों है ना? क्या ये सिर्फ उनकी बस की बात है? जरूरत है कर सकता है सर। आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। अहंकार के नशे में वकील और दोस्तों को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको मैं यमराज का काम करने नहीं दूंगा, इस बार किसी भी कीमत पे मैं उनको छोड़ने नहीं वाला, मेरे नियमों और उसूलों को भूल के भी। वहां के टेलीफोन इंडेक्स लिया था ना सर? सर उसमें वकील या उनकी दोस्तों का नाम और नंबर नहीं था। नहीं होगा, इनमें से किसी का भी नाम और नंबर नहीं होना चाहिए, अमनी को इसका स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। आजकल कई केसों का आधार टेलीफोन इंडेक्स है, पर अमनी यूज करती हुए इस टेलीफोन इंडेक्स में उनका नाम आएगा। उसके दोनों आंखें खुला रखे, उसके सामने किसी को टपका भी डालेगा तो अभी कुछ नहीं कर सकता हो। फिर क्या, उसको मौका ट्रैप बिछाने दो, उसको जाल। तू बुला रहे उसको, दो तीन बात सुनाना होगा, समझ क्या रखा है मुझको? पॉलिटिकली किसी को पकड़ना है क्या, एक सावधानी के लिए? पकड़ना ही हो तो दोनों हाथ से पकड़ो, उसमें तेल भी डाल दो। आजा मेरे साथ। मिला क्या? मिलेगा, मिलना है। हेलो, सुनो सर। हेलो मिस्टर नारीमन, मैं एडवोकेट तंबी। मान लिया रे तुझे, वाह, मिलना है रे तुमसे, अभिनंदन करने तेरे, अगला फंदा लिए निकले हो ना, कहां तक पहुंचे। इतनी भी बेचैनी क्यों है तंबी सर, मैं अपने गुरु से मिलने ही आ रहा हूं। अभी आपके कारपोच में, अभी बस महोदय तंबी सर के सामने। अरे एसपी साहब, आप भी थे? अरे पिल्ले, ये साहब को कौन तनख्वाह देता है?
हर वक्त इनके ही पीछे घूमते रहते हैं। तनख्वाह वहां, बाकी यहां। भगवान की माया देखिए, दोबारा मिलने की बात हुई थी पर वो इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। क्यों, अब तो जरूरत से ज्यादा मैच्योरिटी हो गई हमें गुरुजी। गुरुजी के उसी मार्ग से संचार कर रहा हूँ आपका एक प्रिय शिष्य। जरूरत के अनुसार धोखेबाजी, मारपीट, डकैती सब इस्तेमाल में है। धोखा, बड़ा सा धोखा। हाँ, इतिहास दोहरा रहा है, पर मेरा ये ट्रैप मासूम लोगों को फंसाने के लिए नहीं है। इट्स फॉर यू नोटोरियस क्रिमिनल्स। हर एक केस में छिपी हुई एक लूप होल या फिर भगवान के अदृश्य हाथ, इस केस में ना होना नामुमकिन है। हुआ है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू प्रूव योर मोटिव एंड कॉन्स्पिरेसी। अभी के लिए ये काफी है, बाकी हम रचा लेंगे वकील महाराज। इतने दिन के इल्लीगल प्रोफेशन से आपने सिर्फ थोड़े समूह विरोधियों और क्रिमिनल्स को जन्म दिए पाए हो। आप वो महान हो जिसने साबित किया है कि भ्रष्टाचार और हिंसा को चलाने के लिए पैसे नहीं, दारू और लड़की से भी हो सकता है। वार्ता और कुप्रसिद्धि के लिए तंत्र रचा के खुद की फायदा निकलने वाली तरीके आगे से बंद कर दूंगा। आपके किए हुए पापों के प्रायश्चित ढूंढते समय निसहायता और अकेलापन महसूस करोगे तुम। यहाँ से तुम्हारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे और एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। स्वयं रक्षा के लिए कुछ भी कर लो, अपने पास की आखिरी तीर को तेज कर लो। छल और धोखा अगर सबसे ज्यादा भी हो जाए, योर डिफीट इज सर्टन। सर्टन यू सन ऑफ अ। मालिक ने जैसा उस दिन हंसा था, मैं भी जरा हंस लूं। हे, पुराने इंडेक्स के सारे नाम इसमें लिख दिया सर। उसके अलावा वकील के नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा सर। वो बस है ना सर? काफी है। अमनी और उनके बीच वाले कनेक्शन साबित करने के लिए ये काफी है, पर खाली इससे काम नहीं चलेगा। अभी गवाहें चाहिए और बाकी सबूत हैं। चाहिए सर। कौन सी तरह के गवाह, कितने लोग? फ्यूल फॉर फायर। कौन सा फ्यूल? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस। अम्मिनी के शरीर को जला के राख करने के लिए वकील और दोस्तों का ईंधन क्या था? कहां से आया, किसने दिया? कभी पता नहीं लगने वाला, पर हम पता करेंगे। सब बोल दिया क्या? सब बोल दिया क्या सर? गड़बड़ तो नहीं होगा ना? उनसे बड़े लोग हैं हम, तुम डरो मत। ठीक है, चलो। नाम क्या है? जेम्स। जेम्स, डरने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा हम सब है तुम्हारे साथ। इसको सिखा दिया ना? हाँ सर। जेम्स वहां खड़े हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस एक रिहर्सल है। जाओ। अक्टूबर 3 के रात में 10 बजे आपने पंप में किसको देखा? मैंने इधर कड़ी इन चार लोगों को देखा। यस, प्रोसीड। यस योर ऑनर। बिल्कुल डरो मत, अच्छी तरह से देखकर बोलो। इन चारों को ही आपने उस दिन बंक पर देखा? यही थे ना जो कार में आकर पेट्रोल लेकर गए? बोलो। ये सब रातों हुआ था तो यही लोग है, पक्का नहीं बोल सकता। योर ऑनर, ये गवाह PW36 से अपना बाया बदल रहा है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर वाईगुंडम, नाउ द विटनेस इज योर्स। योर ऑनर, जस्ट वन क्वेश्चन ओनली। In your confession to police, you have given a different version. समझ में नहीं आया, तुमने पुलिस को बयां ऐसे नहीं किया? उनको देखा, उन्हें पहचाना, ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर तुम्हारा बयां पुलिस ने खुद लिखा होगा? That's all, Your Honor.
आपका नाम? शंकर। अमनी के साथ काम करते हुए कितने साल हुए? 10 साल। अमनी का लापता होना पुलिस में आपने रिपोर्ट किया था? जी। आपने आखिरी बार अमनी से कब मिला? लापता होने की एक रात पहले। कहाँ पे? उनके घर पर। उस दिन क्या हुआ जरा बता सकते हैं आप? उस दिन रात को 8 बजे घर के सामान खरीद कर मैं वहाँ पहुँचे। ये सब वाहन थे, सामान और कार का चाबी लेकर मुझे घर जाना बोला। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन मैं घर गया तो ताला लगा था, उसके अगले दिन गया था तब भी ताला लगा है। मुझे लगा है वो कहीं होंगे, इन्हें बताया तो उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद पुलिस को बताया और फिर बेटी को भी। अमनी इनसे डरती थी ऐसे आपको लगा? हाँ जी। किसने बोला? अमनी ने खुद। कारण बताया? वो अपनी बेटी से मिले ये उन्हें पसंद नहीं था। मिस्टर वाइकुंठम, गवाह से कुछ पूछना है? यस सर। आप आस्तिक है? हाँ जी। विश्वासी सच्ची तो बोलेंगे, असत्य बोलने वाले भी विश्वासी भी है। ज्यादा चालाक मत बनो, जितना पूछा है उतना बताओ। माँ और बेटी की करीबी में उसे पसंद नहीं है, चीफ एग्जामिनेशन में आप बोला। क्यों? अमनी अपनी बेटी से दूर रहती थी, जब गरीब आने लगे तो इनसे दूर हो जाएगी। ऐसे तो इनके बारे में सारे रहस्य जो अमनी जानती है बाहर हो जाएगा। इनके बारे में कौन सा रहस्य अमनी जानती थी? अगर मुझे पता होता तो काया नमक की ओर निष्ठा होके दिखाने वाले जिंदा छोड़ दे। That's all, Your Honor. एकदम अच्छा कोचिंग। किसका दिमाग है, तुम्हारा और ये काकी? गुरु तो वो है, मैं बस शिष्य हूँ। कुत्ते के पिल्ले। जल के राख हुए लाश तुमने अमनी का है, तुमने प्रोसिक्यूटर को बोला? हाँ। माँ के कोई दुश्मन है तुम्हें लगता है? हाँ। वो साबित करने को एक सबूत हवा तुम्हारे पास है? माँ के शत्रु भी है और लापता भी, इन्हीं कारणों से जलकर राख हुए लाश माँ का है तुम कह रहे हो, पर तुमने जांच पड़ताल नहीं की, ऐसा मैं कहूँ तो ठीक है? फिर असाधारण लंबाई और छोटाई माँ को था, वैसे ही उस लाश को भी, और तो और माँ के पहने तावीज दिखाया तो मुझे विश्वास हुआ। तावीज? ऐसे कितने लोग पहनते हैं? मोटे पतले, हाथ में, गले में, कमर पे? ले, मेरे गले में भी है तावीज, मैंने भी पहना है। मेरे जैसे बहुत लोग भी पहनते हैं, काफी दुश्मन भी है, तो मेरे शरीर और रूप वाला जल के राख हो जाए तो वो मैं हूँ। योर ऑनर, इस शहर में हुए एक बड़ी घटना मेरे याद में आ रही है, मोस्ट वांटेड सुकुमार कुरूप की कथा। उसके रूप से मिलता जुलता फिल्म रिप्रेजेंटेटिव चाको को जलाकर राख किया, वही ये साबित करने के लिए इतिहास दोहराया है क्या? हो सकता है माँ और बेटी मुराफा उठा रहा है, साथ में पुलिस दिमाग से ज्यादा क्रिमिनल दिमाग वाला नरीमान भी है, तो आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि इस केस की गुनहगार ये चार लोग पहले दूसरे केस की गुनहगार भी बन चुकी है। नीति और न्याय पालन करने वाला कोर्ट उन्हें बाइसब्बर किया। उस दिन की वही ऑफिसर है आज की इस केस की अधिकारी। इस दिन बुरी तरह हारने का बदला उतारने प्रतिशुद्ध प्यासा ये आदमी से रचाया हुआ हो सकता है, अभी जो आया हमने हत्या केस। I have fair reasons to believe so. इस कारण के अलावा तुम्हें माँ के बारे में कुछ बोलना तो नहीं है? प्रसिद्ध सीनियर लॉयर का भावना बढ़िया है। A beautiful script. Most wanted कुरूप, अमनी और नरीमान को लिंक किया तो कहानी के कुछ मुख्य जगह छोड़ दिया है। हो सकता है ये केस आसानी से जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं तो सभी लोग को नीचे देखने की ओवर कॉन्फिडेंस। योर ऑनर, महीने के पहले एक दुर्घटना में अमनी के दाई हाथ में एक चोट पहुंची। उस समय में डॉक्टर्स ने एक इंटरमेड्यूला स्टील डाला था, लाश जलकर भी वो नेल नहीं जला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है। लेट मी रीड इट फॉर यू सर। यस। देयर वाज एन इंट्रामेड्यूलरी स्टील नेल सीन इन सीटू टू लेफ्ट फोरआर्म।
The bone showed an irregularity in respect to the shaft in the middle. ये अमनी की टूटे हाथ की एक्सरे है के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी इसमें है. It's absurd. आंकिर में कोई और कारण पूछने पर कुछ नहीं बोला. ये बात क्यों नहीं बोला उन्होंने? Your Honor, अमनी और बेटी काफी साल से करीब नहीं थे. हाल ही में वो करीब आए. ये एक्सीडेंट घटकर काफी साल हो गए. हो सकता है इसलिए बेटी को पता नहीं था. पोस्टमार्टम में दिए गए ये रेफरेंस ऑपोजिशन लॉयर अगर गौर से देखे हुए तो जला हुआ लाश अमनी का ही है, उसमें कोई शक नहीं होता. योर ऑनर, सुकुमार कुरुप को अपने कर्तव्य से लाखों रुपए लूटना था, ऐसा भी एक कारण था. पर किसी और को जलाकर अमनी को क्या मिलता? क्या शक है, कुरुप की तरह अमनी को भी पैसों की लालच थी. यू मीन इंश्योरेंस? यस. श्योर? डैम श्योर. बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया. उन्होंने तो सही पॉइंट बोला ना? सही पॉइंट है, हमें गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा है उसने. अमनी की 15 लाख की LIC का नॉमिनी उनकी बेटी नहीं थी, उल्टा तंबी सर की गुलारी बेटी श्रीदेवी तंबी है. 4-5 साल पहले अमनी के हाथ से ये पॉलिसी LIC एजेंट मिसेस पद्मनाभन तंबी, योर ओन वाइफ, नॉमिनी को तंबी सर ने ही तय किया होगा. आप बता सकते हैं क्या इससे आर्थिक लाभ किसको हुआ है? अमनी को भी तुमने खत्म किया था. सर, अब मुझे बताना है एक बहुत क्रूशियल एविडेंस के बारे में. ये एक खत है, अमनी मारे जाने के 2-3 दिन पहले अपने हाथ से CM को लिखा शिकायत. भगवान का मिरेकल हैंड कहलाना ये सबूत काफी है गुनेगार के और अमनी की बारी दुश्मनी प्रूव करने के लिए. मैं रीड इट सर? यस. आदरणीय मुख्यमंत्री, मेरा नाम अमनी, ये एड्रेस पे रहे मुझे आज हत्या की धमकी दिए हुए है. उसका कारण समाज के कुछ ऊंचे लोग हैं, एडवोकेट पद्मनाभन थम्बी, अबकारी कॉन्ट्रैक्टर कुछ नारायणन, SP फिलिपोस और उनका गुंडा कमाल, ये सब है उन धमकी के पीछे. इन हालातों में अगर मुझे कुछ हो गया तो इनकी पूरी जिम्मेदारी इन लोगों पर है. That's all, Your Honor. Well done. 32/2000 अमनी हत्या केस में चार्जशीट किए गए चारों लोग गुनेगार हैं. कोर्ट को बिना शक एहसास हुआ है. 160 पेज वाले इस न्याय की मुख्य भाग ही बोले जाएंगे. Your Honor, I have a prayer. Yes. यहाँ खड़े चार लोग हैं अमनी केस के गुनेगार करके कुछ ही समय पहले आदरणीय कोर्ट ने बताया था हमें, आपके आगे सबूतों और गवाहों के आधार पर. हाँ, इसमें शक की क्या बात है? दंपति हत्या केस में मनु गुनेगार है, उस दिन के सबूतों और गवाहों के आधार पर था. उसमें और इस केस में क्या संबंध है? संबंध है सर, इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूँ. अगर मैं बताऊँ कि ये निर्दोषी है, क्या ये कोर्ट मानेगा? What do you mean by it? कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत और गवाह गलत है, ये आपको बोधित कर दूं तो? एहसास हुआ तो? आदरणीय कोर्ट को मानना पड़ेगा कि फिर से आपको गलतफहमी हो गई है. मैं कुछ समझा नहीं. दंपति मृत्यु केस में जब मैंने बताया था कि कोर्ट को गलत तरीके से विश्वास कराया गया है, आप मानने के लिए तैयार नहीं थे. झूठे सबूत और गवाह थे, तब भी आपने बताया कि मनु को बचने का मौका दिया गया था. वो मौका इस केस में इनको भी मिलेगा. मशहूर सीनियर वकील के पूरे जोश में लड़ने के बाद भी कोर्ट के सामने लाए गए सबूतों और गवाहों को तोड़ नहीं पाए, इसीलिए आपने प्रोसिक्यूशन पे विश्वास करके इनको गुनहगार घोषित किया. अगर इनको निरपराधी स्थापित कर दूं, तो कोर्ट इनको सजा देगी या छोड़ देगी? क्या है तुम्हारा मतलब? जरूर समझाऊंगा. उसके पहले इस नाटक को पेश करने के लिए जो चीजें कारण थी वो सुनने की अपेक्षा कोर्ट से करता हूँ. बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए नाटक रचाने के लिए ये कोई थिएटर नहीं. कोर्ट के बारे में क्या समझे हो? आपकी आवाज इससे भी बड़े मैं बुरा नहीं मानूंगा. आपके पैर के जूते मेरे मुंह पे भी लगे वो मैं सह लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ वाद करने नहीं आया हूँ, पर प्रार्थना करने, एक जीवन के लिए प्रार्थना करने. भगवान के बाद यह राज्य जज साहब आप जैसे लोगों को पूजा करती है. आपको और इस अदालत की पवित्रता को
कलंक नहीं पहुंचना चाहिए। दंपति मृत्यु केस में फांसी दी गई मनु सिर्फ आयुष के बल पे पुनर्विचारण के लिए जीवित है। इतने विशेष और कई विवरण से भरे हुए यह पुनर्विचारण इतने व्यक्तिगत और निष्पक्ष होने के नाते भी आई एम सॉरी टू से योर ऑनर जस्टिस वॉज डिनाइड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। दर्द भरी सच की चीखें अदालत के द्वारा जब निषेध किए जाते हैं तब बड़े से बड़े अनुभवशाली अधिकारी भी अपने दिल और दिमाग से टूट जाते हैं। उस दिन बड़े भारी मन से इस अदालत से मैं निकला था, कुबुद्धि से उबलती हुई खून से, कुछ भी हासिल कर लेने की अहंकार की उठी मुद्रा वाक्य, पैसे और तंबी है तो कोई भी किसी को भी मार सकता है, अ डेंजरस स्टेटमेंट, वो फैलाने के लिए मूर्खों की एक मंडली, उनकी करतूतों से जब अदालत को खिलौने बना दिया था, अपराधी निरपराधी बन गया और निरपराधी अपराधी बन गया। माय लॉर्ड, दिस ऑफिस ऑफ द लॉ इन दिस लैंड वेयर पीपल सीक जस्टिस एंड सिक्योरिटी शुड नॉट बिकम पैस्टर्स फॉर दीज वल्चर्स। अगर यहाँ का कानून इसे रोक नहीं पाए तो इनसे भी नीच तरीके से पेश आने के लिए और भी लोग तैयार हो जाएंगे। कानून का आदर करने वाले कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा। मैं या इस राज्य के कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर फैसला कर ले, झूठे गवाह और सबूतों को ले आके अदालत को झूठे विश्वास दिला सकते हैं। यह अदालत को समझाने के लिए ऐसा एक नाटक की जरूरत थी। बहुत देर से बोल रहे हो कि नाटक है, नाटक है, क्या नाटक है? अमिनी हत्या केस के साथ क्या नाता है? संबंध है सर। Your Honor, this is Amini. The very same Amini. Amini मारी नहीं गई है. She is very much alive. इन दोनों केसों के circumstances में एक ही अंतर है. अगर मैंने एक निरपराधी को बचाने के लिए नाटक रचाया था, इन लोगों ने उस दिन एक निरपराधी को अपराधी बना के खुद बच गए, उसका रियलिटी है. इनको जाने दो, जरूरत पड़े तो बुला लेंगे. I'm summing up. ये इत्तिफाक था, CM को भेजे हुए अमिनी का कंप्लेंट DGP मुझे फॉरवर्ड करते हैं। हाथ से छूटे इन चार गुनेगारों को कैद करने का मौका, उसके साथ उस दिन की गलती अगर हम कोर्ट को कन्विंस करा दें। मनु में और एक प्रतीक्षा थी मुझे। I masterminded the plan. उसका रिजल्ट था ये नाटक। डॉक्टर गिरी के मदद के साथ मेडिकल कॉलेज से अमिनी के शरीर के साथ मिलती जुलती एक अनाथ प्रेत को चुन लिया हमने। जली हुई शरीर को बिना शक की पहचान होनी चाहिए थी। उसी की मार्ग ढूंढते समय अमिनी ने हमसे वो स्टील नेल और लॉकेट के बारे में बताया था। वैसे ही वो दो चीज जले हुए शरीर में आया था। नाटक के आगे के अध्याय में अमिनी गवाह है और मेरे सह पुलिस वालों ने अपनी भूमिकाएं बड़ी अच्छे से निभाई थी। द रेस्ट इज हिस्ट्री। योर ऑनर, इससे मैं अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अदालत को गलत तरीके से झूठे स्थापित करने वाली ये नाटक कभी माफी अर्हित नहीं है, वो मैं जानता हूं। उसके लिए मुझे बड़े से बड़ा सजा मिले वो मुझे मंजूर है। लेट मी कंक्लूड सर। जीवित व्यक्ति को मारे हुए अदालत के सामने विश्वास कराने के लिए मेरे जैसे एवरेज ऑफिसर को हो सके तो ऐसे एक बुद्धि राक्षस और थोड़े पुलिस ऑफिसर्स एक साथ काम करे तो एक नहीं हजार मनु अपराधी बन सकते हैं। छोटे से छोटे इंसान की रक्षा करने वाली यह कानून एक निरपराधी की खून की प्यासी नहीं होनी चाहिए। आई प्लीड जस्टिस योर ऑनर। कोर्ट को जानबूझकर धोखा देने के लिए भी माफी के लायक नहीं हो मिस्टर अशोक नरीमान, फिर भी एक जान बचाने के लिए वो इंटेंशन को कोर्ट एक बड़े दिल से देखना चाहता है। बड़े अजीब ढंग से ही सही, लेकिन कोर्ट को गलती हो सकती है ये मिस्टर नरीमान ने बताया। ऐसी आदत तो नहीं है, फिर भी गुनेगार मनु के केस में
नियम पालन किए जाएंगे। दंपति हत्या केस में दोबारा जांच किए जाने का और गुनेगारों की शिक्षा देने के लिए कोर्ट निश्चय लेती है। कुछ महीने बाद दंपति हत्या केस की दोबारा जांच पर एडवोकेट तंबी और गुनेगारों को आजीवन कारागृह की शिक्षा सुनाई। मनु को 22 अब बरी किया। मिस्टर तंबी, बैड एम्बिशंस, बैड परफॉर्मेंस एंड वेरी वेरी पुअर रिजल्ट्स। अब एक आईना ले ले और अपने मुंह के सामने रख, उसमें देख और खुल के बोल, उल्लू का पट्टा। मुझ जन्म दोस्ती, भगवान ने बहुत दिमाग दिया, पर अगर वो सड़ गया तो? अगर सामने समंदर क्यों ना हो, कुत्ते चाट के ही पिएंगे, वो है किस्मत। अब पूरी दुकान बंद हो गई ना।